ढाई सौ साल इंसान आयमा मासूमीन मासुमिन की ढाई सौ साल सियासी जिंदगी पर एक नजर अज आयत अल उजमा सैयद अली खामनाई खामनाज सैयद कौसर अब्बास मुसवी नाशिर खान फरहंग जमहूरी इस्लामी ईरान कराची पेश लफ्जे नजर किताब इस जमाने के मूसा मुनादी हक उम्मत इस्लामी के अलम बरदार हकीकत तलब आज़ादी और अदालत पसंदों के रहनुमा इमाम सैयद अली खामनाफुल्लाह के बयानात और पैगाम का मजमु है इस किताब में आयमा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के एक ऐसे पहलू को बयान किया गया है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक उन अजीम हस्तियों की जिंदगी का ये रुख लोगों की नजरों से ओझल रहा है खुद रहबर मुअज्जम के बकौल आयमा मासूमी अलैहिस्सलाम की मजलूमियत ख़ुद उनकी ज़ाहिरी हयात तक महदूद नहीं रही बल्कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद आज भी उनकी सीरत के अहम तरीन बल्कि असली तरीन पहलुओं की तरफ लोगों तवज्जो की वजह से उनकी तारीखी मजलूमियत का सिलसिला जारी है यकीन इन गुजश्त सदियों में बेमिसाल किताबें और मकाले लिखे गए और उनके जरिए इन बुजुर्ग हस्तियों की जिंदगी से मुतक रिवायात मजमू की सूरत में आने वाली नस्लों के लिए बतौर यादगार जमा की गई हैं लेकिन आयम मासूमिन की ढाई सौ साल जिंदगी में जान का सियासी जिदोजहद का जो अंसर है वो उनकी सवान हयात के मुख्तलिफी और मानवी पहलुओं से मुतालिक बेशुमार बेशुमारहदीस और रिवायात के अंबार में गुम होकर रह गया है आयमा अहल अलहलम की जिंदगी का सियासी पहलू मौजूदा दौर में लोगों की नजरों के सामने जाहिर हो गया है जिसे देख कर जहाँ आलमी इंसानियत पर लर्जा तारी हो गया है वहां हक परस्तों की रगों में खून जोश मारने लगा है और उनके अंदर दीनी और इंसानी गैरत के जज्बात बेदार होने लगे हैं जिसने दुनिया भर के तमाम अदालत पसंद कौमों को एक ही सफ में ला खड़ा कर दिया है ताकि हकीकत खिलकत और इस्लाम के साफ शफाफ आईने में मुतजली हो सके और वो दुनिया के जालिम उजाबर और फिरओनियों की आंखों से नींद को उड़ा सके इंसानी तारीख में दुनिया ने एक मरतबा फिर आयमा मासूमिन और उनके पैरोकारों की सियासी ताकत का मुजाह उस वक्त देखा जब सन चौदह सौ छत्तीस हिजरी को सैयदुश शहदा हजरत इमाम हुसैन असलम और दीगर शहदाय करबला के चहलुम के मौके पर लाखों वजादारों ने मुख्तलिफ सवारी पर सवार और पैदल सरजमीन करबला का रुख किया और मजलूमीन के खून के इंतकाम का अहद किया अगर इसी तरह किसी दिन पूरा इंसानी आयमा मासूम स्लम की जिंदगी में सियासी जिदोजहदारियों और इंसान दुश्मन अनासर को सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी आयमा ताहरीन की सियासी जिदोजहद के हवाले ऐसी इस अहम तरीन किताब का तर्जुमा वक्त का तक था इसलिए खान फरहंग जमहूरी इस्लामी ईरान कराची ने जरूरी समझा के इस बेहतरीन किताब को जिसका उर्दू तर्जुमा बरदर सैयद कौसर अब्बास मूसवी ने किया है शाया किया जाए ताकि इस हकीकत के मुतलाशी और अदालत पसंद लोग अपनी सियासी जिंदगी में इससे रहनुमाई हासिल करते हुए साहिल नजात तक पहुँच सकें, इन शह मेहदी खतीब डायरेक्टर जनरल खाना फरहंग जमहूरी इस्लामी ईरान कराची आठ जमातुल अवल चौदह सौ छत्तीस हिजरी ब

नजरअंदाज किया जाता रहा है यूं तो आयमा मासूमीन की जिंदगी के हालात और इन हस्तियों से मनकूल अहदीस और रवायात पर मुश्तमिल बेशुमार किताबें लिखी गई हैं और लिखी जा रही हैं। लेकिन रहबरेज़म के बकौल आयमा मासूमी सलाम की ढाई सौ साल जिंदगी में जानकह सियासी जद्दोजहद का जो उनसर है वो उनकी सवान हयात के मुख्तलिफी और मानवी पहलुओं से मुताल बेशुमारदीस और रिवायात के अंबार में गुम होकर रह गया है शायद यही वजह है क़राम और अहले कलम हजरा इस हसास मौजू को बयान करने से कतराते थे, थे लेकिन सन उन्नीस सौ उनासी में जब इस्लामी इनकलाब की अजीम शान कामयाबी के बाद इमाम खुमैनी रहमत की इनकलाबी जिदोजहद के नतीजे में एक ऐसी फजा वजूद में आई जिसमे आयमा अतहार की सियासी जिंदगी आरोप गुफ्तगु का माहौल फराहम हुआ ढाई सौ साल इंसान की तारीफ का बुनियादी मकसद की में के को बयान करना है, लिहाजा ये सिर्फ एक तारीखी किताब नहीं बल्कि तारीख का आयमा हार ढाई सौ साल के तवील अरसे तक क्यूँ कर एक ही मकसद के लिए जिदोजहद करते रहे किताब का नाम ढाई सौ साल इंसान भी खुद रह के फरमाइशात से माखूज है जिसकी तरफ आपने उन्नीस सौ चौरासी में मशहद मुकदस में मुनद होने वाली इंटरनेशनल इमाम अली रज़ा कॉन्फ्रेंस के नाम अपने तारीखी पैगाम में इशारा किया था किताब की वजहफ मोहतरम ने इसी किताब के मुकदमे में तफसील के साथ बयान की है लिहाजा मोहतरम कारीन से गुजारिश है कि दीगर अफवाब का मताले से पहले मुकदमा जरूर पढ़ें ताकि ढाई सौ साल इंसान की इस असला को बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो किताब सत्रह अबाब पर मुश्तमिल है जिन्हें तारीख के एतबार से मुरतब किया गया है जो पैगम्बर इस्लाम सलम से लेकर हजरत इमाम हसन अस्करी तक के अदवार पर मुश्तमिल हैं। इमाम मोहम्मद तकी इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी आसलम के हालत जिंदगी को एक ही बाब में बयान किया गया है ये बात काबिल है की आयमा मासूमिन आम के हालत जिंदगी के हवाले ऐसी रहबर मज़म में इनकलाब ने अब तक जो कुछ लिखा या बयान किया है वो उससे कहीं ज्यादा है जो इस मुख्तसर किताब में जमा किया गया है लिहाजा ये किताब रहबर मज़्म के नज़रियात की रोशनी में आयमा इतार की जिंदगी से आगाही हासिल करने के लिए एक बेहतरीन तमहीद की हैसियत रखती है मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम अहबाब का जिन्होंने इस किताब के तर्जुमे के दौरान किसी भी हवाले से मेरे साथ तान किया बिलखसूस उस्ताद मोहतरम शेख मोहम्मद अब्बास वजीर साहब का जिन्होंने सबसे पहले इस किताब के तर्जुमे तरफ मेरी तवज मबजूल कराई डायरेक्टर जनरल खान फरहन जमहूरी इस्लामी ईरान कराची मोहतरम जनाब आकाई मेहदी खतीब साहब का जिन्होंने मेरी ख्वाहिश आरोप ईरान फोन करके किताब के तर्जुमे की इजाज़त ली और तर्जुमे के दौरान बार बार पूछते रहे ना इंसाफी होगी अगर मैं शुक्रिया अदा न करूँ अपनी शरीक हयात का जिन्होंने इस किताब के तर्जुमे में मेरा भरपूर साथ दिया बल्कि अगर ये कहूँ तो गलत न होगा कि तर्जुमे में वो बराबर की शरीक हैं। इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ बरदर मोहतर जनाब अली मोहम्मद रहमानी साहब का जिन्होंने किताब की तस्ही और नदरसानी का बीड़ा उठाया और अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया आखिर मैं मशहूर हूँ के बरदर हादी हुसैन अखुंदा का जिन्होंने तस्ह के बाद किताब की प्रूफ रीडिंग की और बहुत सारी गलतियों की निशानदही की इन सब हजरा का एक मरतबा फिर शुक्रिया मुझे अपनी कमिली और बेमायगी का पूरा ऐतराफ़ है तहम मैंने मकदूर भर कोशिश की है कि तर्जुमे में कोई गलती न हो इसके बावजूद भी गलती का इम्कान मौजूद है इसलिए करीन कराम बिलखसूस अहल इम हजरा ऐसी अगर कोई ऐसी गलती नजर आए तो मुझे जरूर आगाह फरमाए ताकि आइंदा इशात में तस्ह की जा सके उम्मीद है ये किताब मासूमिन सलाम की जिंदगी और उन हस्तियों की सियासी जिदोजहद के और रमूज से आगाही के सिलसिले में ने मारिफत के लिए एक बेहतरीन तोहफा साबित होगी इन शब्बना तकबल मन्ना कामअलीम सैयद कौसर अब्बास मूसवी बारह मार्च दो हजार पंद्रह मुकदमा आयमा मासूमिन की मजलूमियत खुद उनकी ज़ाहिरी हयात तक महदूद नहीं रही बल्कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद आज भी उनकी सीरत के अहम तरीन बल्कि असली तरीन पहलुओं की तरफ लोगों की अदम तवज्जो की वजह से उनकी तारीखी मजलूमियत का सिलसिला जारी है यकीन गुज्त सदियों में बेमिसाल किताबें और मकाले लिखे गए और उनके जरिए इन बुजुर्ग हस्तियों की जिंदगी से मुता रिवायात मजमुओं की सूरत में आने वाली नस्लों के लिए बतौर यादगार जमा की गई हैं लेकिन आयमा मासूमी अलैहिस्सलाम की ढाई सौ साल जिंदगी में जान का सियासी जिदोजहद का जो अनसर है वो उनके सवान हयात के मुख्तलिफी और मानवी पहलुओं से मुतालिक बेशुमार बेशुमारदीस और रिवायात के अंबार में गुम होकर रह गया है आयमा मासूमी सलाम की जिंदगी को हमें दरसे हयात और उसवा अमल के तौर पर देखना चाहिए न कि सिर्फ एक शानदार और काबिल फ़खर यादगार के से उसका मुताल करें और ये काम उन बुजुर्गों की रविश और तर्ज सियासत पर तोज्जो दिए बगैर मुमकिन नहीं मुझे जाती तौर पर आयमा मासूम की जिंदगी के इस पहलू से खास दिलचस्पी रही है और मुझे इस हकीकत का अतराफ़ में कोई झिझक नहीं की मेरे जहन में ये ख्याल सन उन्नीस सौ इकहत्तर की सख्त तरीन आजमाइश और मुश्किल के अयाम में पैदा हुआ अगर जैसे कब्ल भी अलाय कलमाए तो और हुकूमत इलाही के क्या के सिलसिले में आयमा मताहरीन का मुजाहिदाना किरदार और उनकी कुरबानिया और फिदाकारियाँ मेरे पेश नज़र थीं लेकिन वो नुकता जो उस दौर में अचानक मेरे जहन में नमूदार हुआ वो ये था कि उन बुजुर्गों की जिंदगी मजमुई तौर पर एक मुसलसल और तवील तहरीक है जो ग्यारह हिजरी ऐसी शुरू होकर ढाई सौ साल तक बिला नागा जारी रही और दो सौ साठ हिजरी में के आगाज़ पर खत्म हुई ये तमाम हस्तियाँ एक ही जंजीर की कड़िया और एक ही शख्सियत हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि इन सब का रास्ता और मकसद एक ही है बस इमाम हसन अल्लाम इमाम हुसैन अल्लाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाम की ज़िंदगियों का अलग अलग जायजा लेने और फिर लामहला इस खतरनाक गलत फहमी का शिकार होने की बजाय की इन तीनों इमामों की जिंदगी का जाहरी फर्क उनमें टकराव और तजाद की निशानदेही करता है हमें चाहिए कि तमाम आय की जिंदगी को मिलाकर एक ऐसे इंसान की जिंदगी फर्ज कर लें जिसने ढाई सौ साल उम्र पाई हो और जो ग्यारह हिजरी से लेकर दो सौ साठ हिजरी तक एक ही मंजिल के समत हो गु इस अजीम और मासूम जिंदगी का एक एक अमल काबिल फहम और लायक तोजीह हो जाएगा हर इंसान जो अकल हिकमत का मालिक हो वो अगर चाहे मासूम न हो तब भी उसे एक तवील मुद्दत जिदोजहद के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के मौकफ अपनाने होते हैं। मुमकिन है कभी वो सख्ती से पेश आने को जरूरी समझे कभी नरमी का बर्ताव करे और कभी मुमकिन है कि किसी मसलहत की वजह से पीछे हट जाए लेकिन उन लोगों की नजर में जो उसकी हमत अमली से वाकिफ़ है उस पीछे हट जाने को भी दर हकीकत आगे ही की तरफ पेश समझा जाएगा इस नजरिए के मुता अमिरमिन इमाम अलीलाम की जिंदगी इमाम हसन अलम की जिंदगी इमाम हुसैन अलम की जिंदगी और दूसरे आठ इमामों की जिंदगी जो 260 सौ साठ हिजरी तक जारी रही एक मुसलसल जिदोजहद से इबारत है इस नुकते की जानब इसी साल सन उन्नीस सौ इकहत्तर मुतवजा हुआ और इसी नजरिए ऐसी इन हजरा की सवान हयात का मुतला शुरू किया और जितना आगे बढ़ता चला गया मेरी सोच की सदाकत खुलती चली गई इस हकीकत के पेशे नजर के अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यानी आयमा मासूमिन अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सियासी जिद्दोजहद से इबारत है इस काबिल है कि इसको एक मुस्तकिल عنوان के तहत ज़िरह बहस लाया जाए मैं यहाँ इस मौजू को क़दरत तफ़सील के साथ बयान करना चाहता हूं पहली चीज सियासी जिद्दोजहद जान का सियासी जिद्दोजहद जिसे हम आयमा ताहरीन की जानब नस्बत देते हैं इससे हमारी मुराद क्या है मुराद ये है कि आयमा की मुजाहिदाना कोशिशें महज ऐसी एतकदी और कलामी नथी जिस तरह तारीख इस्लाम के उस दौर में कलामी तहरीकों की मिसालें मिलती हैं जैसे मतजिला वगैरह की तहरीकें आयमा की इलमी नशस्तें दरसी हल्के बयान हदीस नकल आरफ इस्लामी और फरी एहमाम की तशरी तोजीफ वगैरह सिर्फ इसलिए न थी की इल्म कलाम से फ अपने मकतब की हकानियत साबित की जाए बल्कि आयमा ताहरीन के मकासद इससे कहीं बुलंद थे इसी तरह ये जहिद इस किस्म का मुसलिहाना क्याम भी न थी जैसे कि जनाब जैद शहीद और उनकी औलाद या बनी उल हसन और आले जाफ़र के बाद अफराज उसी कबील के दूसरे लोगों के यहाँ आयमा अहल की हयात के दौरान नजर आता है आयमा ताहरीन ने इस किस्म का कोई जहाद नहीं किया अलबत् यहाँ पर ये बयान करना जरूरी है कि आयमा मासूमी ने कयाम करने वाले तमाम लोगों की बतौर मुतल मुखालफत भी नहीं की अगरचे बाज़ की मुखालफत की है लेकिन उस मुखालिफत का सबब उनका मुसलिहाना क्या न था बल्कि कुछ दूसरी वजूहत थी बाज की भरपूर तयद भी की है बल्कि बाज क्याम की पुष्ट पनाही और मदद भी की है इस सिलसिले में इमाम जाफर सदिकम की यह हदीस काबिल तवज्जो है जिसमें आप फरमाते हैं मुझे ये पसंद है कि आल मोहम्मद में से कोई कयाम करे और उसके अहलोल के अखराज मैं पूरा करूँ बिहार जिल्द छियालीस सफा एक सौ बहत्तर इस पेशकश में माली इमदाद आबरू की हिफाजत खुफिया जगहें फराहम करना और इसी तरह की दूसरी मदद भी शामिल है लेकिन जहाँ तक मेरी मालूम है वो ये की आयमा मासूमिन ने इमाम वक्त की हैसियत से कभी बनफ़ से नफीस मुसलहाना कयाम में शिरकत नहीं की आय मासुमी की सियासी जद्दोजहद से मुराद न तो मजकूर मुकाबला है और न ही दूसरी नौीय का मुसलहाना क्याम बल्कि इससे मुराद एक सियासी मकसद के तहत जिदोजहद है और वो सियासी मकसद हुकूमत इस्लामी का क्याम है जिसको हम अपनी जबान में हुकूमत अलवी से ताबीर कर सकते हैं पैगम्बर इस्लाम सलम की रहलत के बाद ऐसी दो सौ साठ हिजरी तक ताहरीन की ये कोशिश रही कि इस्लामी में एक इलाही हुकूमत कायम करें और यही उनका बुनियादी मकसद था अलबत् हम ये नहीं कह सकते कि हर इमाम अपने ही दौर में इस्लामी हुकूमत कायम करने के ख्वाहिशमंद थे मुमकिन है ये जिदोजहद मुस्तबिल करीब मुस्तबिल आइंदा हु इस्लामी के का कायम से मुताल रही हो मसलन इमाम हसन सलाम के दौर में की जाने वाली कोशिशें आइंदा कम से कम मुद्दत में इस्लामी हुकूमत के कायम की तरफ इशारा करती हैं चुनाचे जब मुसैब इबन नजबा वगैरह ने इमाम से पूछा कि आपने क्यों खामोशी इख्तियार कर रखी है तो जवाब में इमाम ने जो जुमला अर्शाद फरमाया वो इसी तरफ इशारा है चुनाचे आप फरमाते हैं नहीं मालूम ये शायद तुम्हारी आजमाइश हो और एक मुन वक्त का सामा नजीस्त सौ 111 मेरी नज़र में इमाम जन आबिदीन अलमसा के दौर में ये कोशिशें दरमिया मुद्दत के लिए थीं जिसके सबूत और शवाह मौजूद हैं जो आइंदा सफ़ात में पेश किए जाएंगे और इमाम मोहम्मद दौर में इस बात का बहुत ज्यादा अहतमाल है कि मुस्तबिल करीब में इस्लामी हुकूमत के कयाम की कोशिश की गई। अलबत् इमाम अली रजा सलाम की शहादत के बाद की जाने वाली कोशिशों के सिलसिले में इस बात का गुमान है कि ये कोशिशें मुस्तबिल रही हों मुख्तर ये की इस्लामी हुकूमत कब कायम हो इस लिहाज से हर इमाम की जिदोजहद का तरीकार मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन ये तय है कि इस्लामी हुकूमत के कयाम के लिए कोशिशें हमेशा जारी रही हैं। आयमा अहल सलाम की तमाम सरगर्मियाँ, सिवाय उन रूहानी और मानवी उमूर के जो एक बंदा अपने खुदा से सेब और इरफानी मराहिल की तकमील के सिलसिले में अंजाम देता है बै हो व बयना नब ही यानी दरस व तदरीस हदीस का बयान और इल्म कलाम की मुशगाफिया मुखालफी से इलमी और सियासी मनाजरे मुख्तलिफ ग्रोहों की हिमायत या मुखालिफत वगैरह सब कुछ इसी मकसद के लिए थी के एक इस्लामी हुकूमत कायम की जा सके यही हमारा दावा है क्या आयमा मासूमी की जिंदगी का सियासत से कोई ताल्लुक था भी या नहीं क्या आयमा की जिंदगी का मकसद सिर्फ ये था कि अपने शागिर्दों मुरीदों और चाहने वालों के एक ग्रोह को अपने इर्द गिर्द जमा करें और उन्हें नमाज जक़ात हज वगैरह के अहकाम बताएं और इस्लामी अखलाकियात मारिफ, उसूल दीन और इरफान वगैरह बयान करते रहे और बस नहीं बल्कि इन कामों के अलावा भी आयमा की जिंदगी का एक रुख है और ये उनकी सियासी जिंदगी है ये एक अहम बात है, जिसका वाज होना जरूरी है इस किताब में तफसील के साथ इस्तदलाली बहस की गुंजाइश नहीं लिहाजा मैं यहाँ पर बाद शह सुर्खियों को बयान करता हूँ ताकि जो हजरा इस मौजू पर तहकीक करना चाहते हैं वो उनके तनाजुर में रिवायात और तारीख की किताबों का मुताल करें और उन्हें ये मालूम हो सके कि हजरत इमाम मूसा का और हमारे दूसरे आयमान अलम की जिंदगी के वो कौन से गोशे हैं जो अब तक मुबहम और ना हैं है आयमा मासूमिन ने जब ये मुलाहिजा किया कि पैगम्बर इस्लाम के बताए हुए अहदाफ पर अमल नहीं हो रहा यानी उन्हें पाकिजा बनाता है और किताबो किताबत की तालीम देता है सूरह आल इमरान आयत एक सौ चौसठ पर अमल नहीं हो रहा है और जब देखा कि एक मिसाली इस्लामी निज़ाम तश्कील नहीं पा रहा है एक ऐसा इस्लामी माशरा जैसा हमारे प्यारे नबी अलैहि वसल्लम चाहते थे बल्कि इस्लाम के सदर अव्वल के बाद मुकम्मल तौर पर इस्लामी तालिमात को फरामोश कर दिया गया है और नबुवतो इमामत की जगह सल्तनत ने ले ली है कैसर किसरा इसकंदरों बदमाशों और तारीख के दीगर व जाबिर तागुतियों ने पैगम्बर इस्लाम की जानशीनी और खिलाफत के लिबास में बनु उमय्या और बनु अब्बास के नाम से हुकूमत इस्लामी पर कब्जा कर लिया है और हुक्मरानों की ख्वाहिश के मुताबिक कुरान करीम की तफसीर बयान की जाने लगी है लोग उन दरबारी उलमा को देख कर मुतासर हुए बगैर नहीं रहते जो दुनियावी तमाम लालच में हुक्मरानों की गोद में सर रख कर बैठे हुए थे इन हालात को देखते हुए आयमा मासूमिन ने भी एक जाम प्रोग्राम मुरतब किया मैं कहता हूँ कि हमारे तमाम आयमा की जिंदगी यानी सलाम से लेकर इमाम हसन अस्करी सलाम तक की ढाई सौ साल मुद्दत को एक इंसान की तवील जिंदगी का फर्ज करना यानी एक ढाई सौ साल इंसान क्योंकि ये एक दूसरे से जुदा नहीं है बल्कि नूर उन वाहिद उनमें से अगर किसी एक ने कुछ फरमाया है तो दर हकीकत वो सबकी तर्जुमानी है इसी तरह अगर किसी ने कोई अमल अंजाम दिया है तो ऐसा है जैसा सब ने उसे अंजाम दिया हो इन ढाई सौ सालों में आयमा मासूमिन ने जो भी काम अंजाम दिए है गोया वो एक ही इंसान ने एक ही हदफ की खातिर एक ही नीयत से मगर मुख्तलिफ तरीकों से अंजाम दिए हैं आयम सलाम ने जब ये एहसास किया कि इस्लाम गुरबत का शिकार हो चुका है और एक सही इस्लामी मुआरा तशकील नहीं पा सका है तो उन्होंने चंद चीजों को अपना उसूली और बुनियादी हदफ करार दिया उनमें से एक इस्लामी तालीमत को उनकी असली हालत में लोगों के सामने बयान करना था जो लोग गुजश् कई सालों या तवील अरसे इकतदार पर काब थे उनके लिए इस्लाम एक नाकबले बर्दाश्त चीज थी पैगम्बर खुदा का इस्लाम कर्न का इस्लाम जंग जंग्लाम हुनैन का इस्लाम, इशरत का मुखालिफ इस्लाम इम्तिया सलूक का मुखालिफ इस्लाम ऐसा इस्लाम जो मुस्त अफी का हामी हो ऐसा इस्लाम जो इस ताकतों को मलियामेट करने वाला हो ऐसे इस्लाम की उन्हें ज़रूरत नहीं थी जो फिरओनी शक्ल में मूसवी लिबास जेब तन करते थे या नमरूदी सूरत में लिबास इब्राहिमी पहनते थे क्योंकि ऐसा करना उनके लिए मुमकिन न था इसलिए वो इस्लाम में तहरीफ करने पर मजबूर थे क्योंकि ये मुमकिन न था कि वो एकदम लोगों के दिलो दिमाग से इस्लाम को निकाल सकें, क्योंकि अब भी बहुत से मोमिन अफराद मौजूद थे लिहाजा वो मजबूर थे कि इस्लाम को उसकी रूह और उसकी असल माहियत से आहिस्ता आहिस्ता हटा दिया जाए बिल्कुल वही काम जिसके आप गवाह हैं जो पिछली इस्तारी इस्लामी के हवाले से किया करती थी ये इस्तकबारी इस्लामी की नहीं थी रूह की तस्वुरा जहाद की मुखालिफ थी इस्लाम के तस्वुरा अमरबिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की मुखालिफ थी हकाय के इस्लाम को बयान करने की मुखालफ थी लेकिन इस्लाम के जवाहिर जैसे किसी की गाय बैल को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए उसकी हामी थी ऐसी ही सूरत हाल खलफा बनु उमैया और बनु अब्बास के ज़माने में थी उन्होंने इस्लाम को उसकी रूह और हकीक़त से खाली करने के लिए बाज़ कलम फरोशों और जमीर फरोशों की खिदमत हासिल की और भारी रकूम देकर उनसे जाली हदीसें इख्तरा करवाने और अपनी तारीफ में कसीदे लिखवाने शुरू कर दिए और वो कलम फरोश पैसे लेकर किताबें लिखते थे कहा जाता है कि जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हुआ तो एक आलिम मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि किताबें जानवरों पर लाद कर बिन अब्दुल मलिक के खजाने से बाहर निकाली गई थी यानी ये किताब नवीस अजीम मुहदस और मशहूर मारूफ आलिम दीन जिसका नाम बहुत सी इस्लामी किताबों में मिलता है उन साहब ने ये सारी किताबें सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के लिए, लिए लिखी थीं अब आप बताएं क्या जो किताबें सुलेमान के लिए लिखी गई हों क्या ऐसे शख्स से आप ये तो रख सकते हैं कि इनमें कोई ऐसी बात लिखी गई हो जो उसे पसंद न हो सुलेमान अब्दुल मलिक लोगों पर जुल्म करता था शराब पीता था कुफार और मुश्रकिन से गहरे ताल्लुक रखता था मुसलमानों के साथ सख्ती से पेश आता था लोगों के दरमियान नाइंसाफी से काम लेता था गरीबों को दबा कर रखता था और लोगों की जायदादें उनसे छीन लेता था जरा सोचिए ऐसा आदमी आखिर किस किस्म के इस्लाम को पसंद करता था ये वो दर्द था जो इब्तदाई सालों में ही इस्लामी माशरे को लाक हो गया था जिसका आयमा मासूमी को बखूबी हदराक था कि पैगम्बर इस्लाम सल्हुआ वसलम की ये गर्ँ कीमत मीरास यानी इस्लामी तालीमत जिन्हें रहती दुनिया तक बाकी रहना था ताकि हर दौर के इंसान की हिदायत कर सकें वो तहरीफ का शिकार हो गई हैं आयमा मासूमी के अहम मकासद में से एक मकसद सही इस्लामी तालीम से लोगों को रोशनास कराना इस्लाम की सही तफसीर बयान करना नीज उन्हें तहरीफ से बचाते हुए तहरीफ करने वालों को बेनकाब करना था आप देखें कि आयमा मासूम आलमसाम ने अपने अकवाल और फरामीन के जरिए कई एक मकाम पर दरबारी उलमा और मुहदसिन की बताई हुई बातों को मुस्तरद करते हुए सही हक बयान फरमाए हैं ये आय आतार अलमसलम के अहम और बुनियादी मकासद में से एक मकसद था अब देखें कि इस काम का भी एक सियासी पहलू है यानी जब हमें ये पता चले कि तहरीफ का काम हुकूमती कारंदों के कहने पर हो रहा है और ये कलम फरोश उलमा हुक्मरानों की ख्वाहिश पर तहरीफ कर रहे हैं ऐसे में अगर कोई आगे बढ़कर उन तहरीफ को रोकने की कोशिश करेगा तो फित्री बात है की उसे हुक्मरानों के काम में मुदाखलत समझा जाएगा जैसा कि आजकल बाज इस्लामी मुल्कों में बाज़ कलम फरोश उलमां नुमा अफराद हुकूमती कारंदों के इशारों पर मुसलमानों के दरमियान इख्त पैदा करने के लिए किताबें लिख रहे हैं या अपने ही मुसलमान भाइयों के चेहरे को बिगाड़ कर पेश करते हैं अब अगर इन ममालिक में कोई आजाद मनश साहिब इल्म पैदा हो जाए और इतिहाद बैन अमुसलम के मौजू पर कोई किताब लिखे तो ये एक सियासी अमल तसवर होगा क्योंकि हकीकत में ये हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ काम है आयमा मासूमिन का एक अहम काम यही था यानी इस्लाम के अहकाम को सही और दुरुस्त अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाए इसका ये मतलब नहीं कि उस दौर के इस्लामी इस्लामी में अहकाम बताने वाला कोई न था उस वक्त भी आलम इस्लाम के गोशा और कनार में ऐसे लोग मौजूद थे जो कुरान मजीद और अहादीस नबवी की तालीम देते थे बाज़ मुहदसन को तो हजारों हदीसें याद थीं और उनका ताल्लुक सिर्फ मक्का और मदीना और बगदाद से नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम से था आप तारीख उठाकर देखें तो मालूम होगा कि खुरासान में फुला जवान आलिम कई हजार अहादीस पर मुश्तमिल किताब तालीफ करता है और तब्रिस्तान में फुला आलिम पैगम्बर इस्लाम और साहबा कराम से कई हजार अहादीस नकल करता है अहादीस मौजूद थी अहकाम इस्लामी भी बयान किए जाते थे लेकिन जो चीज़ बयान नहीं होती थी वो इस्लामी माशरे के अमूर से मुताक इस्लामी तालीमत और कुरान मजीद की सही और दुरुस्त तफसर थी और आयमा सलाम इसी काम को करना चाहते थे जो उनकी अहम जिम्मेदारियों में से एक था दूसरा अहम मसला इमामत की वजाहत करना था इमामत यानी इस्लामी माशरे की हाकमियत एक अहम मसला जो उस दौर के मुसलमानों पर वाजह नहीं था और अमली लिहाज से भी ये मसला तहरीफ का शिकार होकर रह गया था कि इस्लामी की हाकमियत किसके हाथ में होनी चाहिए नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि जो लोग इस्लाम के अक्सर अहकाम पर अमल नहीं करते थे और मुहदमा को खुले आम अंजाम देते थे वो भी पैगम्बर इस्लाम सशीनी का दावा करते थे और आपकी मसनत पर बैठ जाते थे और उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी यानी ऐसा नहीं था कि लोग उन्हें न जानते हों बल्कि लोग देख रहे थे कि एक शख्स खलीफा भी कहलाता है और नशे की हालत में मस्त होकर जाम मस्जिद में लोगों के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है और लोग भी उसकी इब्तदा करते हैं लोग जानते थे कि यजीद इब्न मुआविया मुख्तलिफ अखलाकी बीमारियों में मुबतला है और गुनाहान कबीरा का इरतकाब करता है लेकिन इसके बावजूद जब उनसे यजीद के खिलाफ क्याम के लिए कहा जाता तो वो कहते थे कि हमने यजीद की बेहद कर रखी है लिहाजा हम उसके खिलाफ क्याम नहीं कर सकते लोगों के सामने मसला इमामत वाज नहीं था लोग ये सोच रहे थे इन तमाम अखलाकी बीमारियों में मुबतला गुनाहों का मरतकब और जालिम जाबिर इंसान भी मुसलमानों का इमाम और इस्लामी मुआरे का हाकिम बन सकता है क्योंकि लोगों की नजर में इमामत कोई अहम मसला नहीं थी किसी भी सोसाइटी में हुकूमत की अहमियत और उस सोसाइटी की समत के तयन के लिए हाकिम के असरा के हवाले से ये एक बहुत ही बड़ा मुश्किल और आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरनाक मसला था इसलिए आयमा मासूमिन लोगों को दो बातें बताना जरूरी समझते थे एक ये कि लोगों को ये बताया जाए कि इमाम को दर्ज झैल शराइ और खसूसियात का हामिल होना चाहिए वो मासूम हो मुतकी हो आलम हो रूहानी शख्सियत हो लोगों से अच्छा बर्ताव रखने वाला और अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करने वाला हो इमाम की इन खियात से लोगों को आगाह किया जाए दूसरी बात यह कि उस शख्स को मुन करना कि आज के जमाने में जिस शख्स के अंदर ये शरायत और खसूसियात पाई जाती हैं वो कौन है इसलिए अपना तारफ़ कराते थे ये भी आयमा मासूमिन का एक बहुत बड़ा कारनामा था और आप देख लें कि ये एक अहम तरीन सियासी और तबलीगती कामों में से था आयमा मासूमी का अगर मजकूरा दो कामों के अलावा कोई दूसरा काम न होता तब भी ये कहने के लिए के आयमा अहल की जिंदगी अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल तौर पर सियासी थी यही दो काम ही काफी हैं उधर जब आयमा मासूमी और की तफसीर बयान फरमाते तो मारफ इस्लामी को भी बयान करते थे दर हकीकत ये भी एक तरह से सियासी अमल अंजाम देते थे जब इमाम की खसूसियात के बारे में बात करते तो वो भी एक सियासी अमल होता था यानी आयमा मासूमीन की जुमला तलीमत अगर मजकूर बाला खसूसिया में खुलासा किया जाए तब बयामा की जिंदगी एक सियासी जिंदगी ही होती लेकिन आयमा मासूमीन ने इस पर इक्तफा नहीं किया बल्कि इसके अलावा भी कम अज कम इमाम हसन असलम के दौर ही से हुकूमत को अपने कब्जे में लेने की नीयत ऐसी खुफिया तौर पर एक वसी सियासी और इनकलाबी तहरीक का आगाज किया आयमा मासूमिन किसी रत पर काम करने वाले के लिए किसी के शकुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि आयमा मासूमिन इस किस्म की एक तहरीक चला रहे थे आयमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के जिस पोशीदा गोशे को मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आयमा मासूमिन जैसे इमाम जाफर सादिक इमाम मूसा काजिम और दीगर आयमा मासूमी अलमसलम की जिंदगी के बारे में लिखी गई किताबों में इस अहम नुक्ते को बयान नहीं किया गया है आयमा मासूमी की सियासी तहरीक वसी और मुनजम जिद्दोजहद पर बहुत सारे शवाहिद मौजूद होने के बावजूद लोगों को उसकी खबर नहीं थी और यही बात आयमा की जिंदगी को समझने में सबसे बड़ी रुकावट है हकीकत ये है की आयमा ने इस काम का आगाज किया था इस पर बहुत सारे दलाइल मौजूद है बस तमाम कारय कराम को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे सारे आयमा जब इमामत के मनसब पर फायज होते थे तो सबसे पहले जो काम अंजाम देते वो हुकूमत को अपने कब्जे में लेने के लिए सियासी जिद्द जहद का आगाज होता था आयमा मासूमिन की ये सियासी जिद्द जहद भी उन लोगों की सियासी जिदोजहद की तरह होती थी जो एक मन निज़ाम की तश्ल के लिए किया करते हैं और आयमा अतार भी इसी तरह जिदोजहद किया करते थे आयमा मासूमी की पूरी जिंदगी में जालिम हु के साथ उनके जो आप देखते हैं उनकी बुनियाद यही मसलाए इमामत और हुकूमत है जिन्होंने हमारे आयमा की मुखालफत की उन्हें जहर दिया कत्ल किया उन्हें जिंदानों में क़ैद किया ये सब लड़ाइयाँ आयमा की हुकूमत आरोप दावे की वजह से थी अगर आयमा हुत का दावा न करते और दूसरी तरफ उलूम उलू में अवलिन का दावा करते तब तो उन खुलफा को किसी किस्म का कोई ऐतराज़ न होता और अगर होता तो भी इतना इख्त न होता असल मसला ही यही है लिहाजा आप देख लें कि आयमा अतहार ने अपने दावत नामों और तबलीगी पैगाम में लफ्ज इमाम और मसलाई इमामत को बहुत ही बड़ा हसास मसला करार दिया है यानी जब इमाम जाफर सदिकम भी इस्लामी हाकमियत और सियासी ताकत का दावा करना चाहते हैं तो फरमाते हैं अयुहन नासो इन्ना रसूल कानल इमाम इमाम अरफाद के मैदान में लोगों के दरमियान खड़े होकर फरमाते हैं ए लोगो बेशक रसूल अल्लाह भी इमाम थे यानी लोगों का इमाम रहबर हाकिम और पेशवा रसूल अल्लाह थे रसूल के बाद अली इब्न अबी तालिब इमाम थे उनके बाद इमाम हसन और उनके बाद इमाम हुसैन यहाँ तक के आप अपने तक पहुँचते हैं और फरमाते हैं कि मैं भी इमाम हूँ अलकाफी जिल्द चार सफा चार सौ छियासठ यानी आयमा मासूमीन और आपके अहहाब का अपने मुखालिफिन के साथ जिस मसले पर कशमकश और इख्तलाफ था वो यही विलायत मुतलका और लोगों पर हुकूमत और सियासी ताकत का मसला था मानवी मरातब के बारे में तो आयरीन से कोई इख्तलाफ ही न था अक्सर औकात ऐसा भी होता था कि खुलफा के जमाने में जो जाहिद मनश और मुत्तकी लोग थे जो इल्म और मुफसरीन कर्न के नाम से मारूफ थे उन लोगों की के खुलफा मुखालफत नहीं करते थे बल्कि उनसे अच्छा सलूक किया करते थे और उनसे अपनी अकीदत का इजहार भी करते थे और उनके पास जाकर अपने लिए बाज़ व नसीहत की दरखास्त भी करते थे क्यों इसलिए कि वो खुलफा के मुकाबले में सियासी मनसब के दावेदार नहीं थे वरना क्या हसन बसरी इब्ने शबरमा और अमर बिन उबैद जैसे लोग खुलफा के लिए काबिल कबूल होते ये वो लोग थे जो ज़हद तकवा रूहानियत इल्म तफसीर और इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होने के दावेदार थे लेकिन खलफा की तरफ से उनकी राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाती थी क्यों इसलिए कि उनका सियासत से कोई ताल्लक न था लेकिन आयमा मासूमी का बनु उमैया और बनु अब्बास के खलफा से जिस मसले पर इख्तलाफ था वो यही इमामत और विलायत का मसला था यानी आज हम इमामत का जो मानी बयान करते हैं वही उनमें वजह नजा था पहला बाब, पैगम्बर आजम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसल् पैगम्बर अक्रम सल्ह वसलम का अहम तरीन काम हक और हकीकत की दावत और उस दावत की राह में जहाद था आप उस दौर की तारीख दुनिया को अपने मध्य मुकाबल देख कर घबराए नहीं हालांकि आप मक्का में तन्हा थे या आपके इर्द गिर्द मुसलमानों की एक मुख्तर तादाद थी जबकि आपके मुकाबले में मतकबर अरबों के सरदार और कुरैश के बड़े बड़े सरकश और जिद्दी लीडर थे जो इंतहाई बद अखलाक होने के साथ जाहरी और माद्दी ताकत और हर तरह के वसाइल से लैस थे या आपका सामना ऐसे अवामनास से था जो मार्फत से बिल्कुल बेबहरा थे ऐसे माहौल में भी आप घबराए नहीं बल्कि अपनी सच्ची बात का ऐलान करते हुए अपने मौकफ को वाजे करते रहे आपने तोहिन का सामना किया रंजो मुशक्कत बर्दाश्त की अपनी जान के लिए खतरात मोल लिए तब जाकर लोगों की एक बड़ी तादाद को दायरा इस्लाम में दाखिल कर सके और इसी तरह जब मदीना में आपने इस्लामी हुकूमत कायम की और खुद उसकी बागडोर संभाली तो मुख्तलिफ दुश्मनों से आपका आमना सामना हुआ कहीं असल से लैस अरब के मुख्तलिफ वहशी गुरु जो हिजाज और यमामा के अतराफ में फैले हुए थे तो कहीं वक्त की बड़ी सल्तनते जैसे ईरान और रूम के बादशाह जिनकी तरफ आपने खतूत इरसाल फरमाकर उन्हें दीन इस्लाम की तरफ दावत दी थी आपके खिलाफ थीं। उन्होंने आपके खिलाफ लश्कर कशी की सख्तियां बर्दाश्त की का सामना किया यहाँ तक के बाद औकात पहले मदीना दो तीन दिनों तक भूखे रहने पर मजबूर होते थे चारों तरफ से मुसीबतों का हजूम था ऐसे हालात में कुछ लोग परेशान हो जाते थे तो कुछ अफराद के कदम डगमगाने लगते कुछ नाला शिवन करने लगते कुछ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से इस्लाम दुश्मन अनासर के साथ नरमी और मलायमत इख्तियार करने की सिफारिशें करते थे लेकिन आप दावत व जहाद के मैदान में कभी पीछे न हटे और पूरी क़ुव्वत क़वत सरफराजी के साथ इस्लामी माशरे को इज्जत इक्तदार की बुलंदी तक पहुँचाया जंगों में हुजूर इस की इस्तकामत तकामत पायदारी आपकी दावत की बदौलत आने वाले बरसों में ये इस्लामी दुनिया की मुनफरद ताकत बनकर उभरी बेदारी का आगाज रसुल्ला ने अपनी एक मतवा और मशहूर हदीस में फरमाया मुझे आखलाक को आम करने के लिए भेजा गया है शरा उसका जिल एक सफा चार सौ बीस बेसत का बुनियादी मकसद और हदफ ही यह था के अखलाकी अजमतें और इंसान की रूहानी दुनिया में आम हो जाएं। और इंसान अपने कमाल को पहुंचे जब तक कोई शख्स उन अखलाकी अज़मतों का बजाते हो अल्लाह उसे ऐसी अजीम और संगीन जिम्मेदारी नहीं सौंपता लिहाजा बेसत रसूल अक्रम सला के आगाज ही में अल्लाह तेज से मुखातिब होकर इर्शाद फरमाया अजीम के मालिक हैं, कलम आयत चार पैगम्बर इस्लाम को अल्लाह ताला की वही के लिए मुनासिब और शाइस्ता बनाने और संवारने का आगाज बैसत से पहले ही हुआ था चुनानचे रवायात में है कि आप जब अपनी जवानी में तजारत किया करते थे तो उस तिजारत से हासिल होने वाली तमाम आमदनी को राह खुदा में बतौर गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम किया करते थे। उसी जमाने की बात है यानी इस्लाम के आखिरी मराहल में थे और अभी नजूल वही का आगाज नहीं हुआ था यानी उस वक्त जब आप मबूस रसालत नहीं हुए थे आप हिरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह तगौर जायजा ले रहे थे आप आसमान सितारों और जमीन में बसने वाली तमाम मखलूक पर गौर फ़िक्र करते जो मुख्तलिफ तरीकों और एहसास के साथ जिंदगी गुजारती हैं, इसके नतीजे में रोज बरोज़ हक के मुकाबले में खुजू अमर नहीं और इरादा इलाही के मुकाबले में आपके दिल के खुशू में इजाफा होता जाता था और आपकी वजूद मुबारक में अखलाकियात की जड़े रोज ब मजबूत होती जाती थी रिवायत में है की पैगम्बर इस्लाम बैसत से कबल ही लोगों में सबसे ज्यादा अक्लमंद और मोहतरम थे आप रोज बरोज अल्लाह ताला की निशानियों से फैजयाब होते थे यहाँ तक कि 40 साल की उम्र को पहुंच गए 40 साल की उम्र में आपका कल्ब मुबारक सबके दिलों से ज्यादा नूरानी ख़ाशे और वही इलाही को कबूल करने के काबिल था जब आप मानवीय और रूहानियत के एतबार से कमाल के उस दरजे पर पहुँच गए तो अल्लाह ने आप पर आसमानों और आलम गैब के दरवाजे खोल दिए और आपकी आंखों के सामने मानवी और गैबी दुनिया को खोल दिया आप फरिश्तों को देखते थे और उनसे गुफ्तगू करते थे और उनकी बातों को सुनते थे बिहार जिल्द सत्रह सफा तीन सौ नौ यहाँ तक के जब्राइल अमीन आप पर नाजिल हुए और कहा इकरा पढ़ो सरा अलक आयत एक यहाँ से वही का आगाज हुआ अल्लाह ताला की ते बेमिसाल मखलूक और इंसान कामिल नजूल वही से पहले ही कमाल के उस मरहले पर पहुँच चुके थे आपने अपनी बेहस के आगाज ही से एक कसीरुल कसरती जहाज का आगाज फरमाया और अपनी जिंदगी के बाकी तेईस सालों में इंतहाई मुश्किलात के साथ उस जहाज को आगे बढ़ाया आपका जहाज अपने नफ्स और उन लोगों के खिलाफ था जो हकीकत ऐसी बिल्कुल बेखबर थे और आपका जहाद उस तारीक माहौल के खिलाफ था कि जिसके बारे में अमीरुल मोमिनीन इमाम अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं ये लोग ऐसे फितनों में मुब्तला थे जिन्होंने उन्हें पैरों तले रोंद दिया था और सुमों से कुचल दिया था नहजुल बलागा नंबर दो हर तरफ से फितनों ने लोगों को दबा कर रखा था दुनिया तलबी शहबत रानी और जुल्म दस्त दराजी और दीगर अखला की के वजूद में रच बस चुकी थीं। ताकतवर लोगों के हाथ बगैर किसी रोक टोक के कमजोरों की तरफ उठ रहे थे इस तहसाल और ये माहौल सिर्फ मक्का मुकरमा या अरब तक महदूद न था बल्कि उस दौर की तहजीब तमदन के दो बड़े गहवारे यानी रूम और ईरान का भी यही हाल था आप तारीख उठाकर देखिए कि पूरे आलम बशरियत पर जुल्म के बादल छाए हुए थे लिहाजा पैगम्बर अक्रम सला बैसत के आगाज यानी नजूल वही की इब्तदा ही उन बड़ी ताकतों के खिलाफ नाकबिल तसवर हद तक मुसल जिद्दोजहद करते रहे दूसरी तरफ वही इलाही भी मुसलसल एक ऐसे चश्मे की मानंद जो किसी हमवार जमीन आरोप जारी हो आपके मुबारक पर नाजिल हो रही थी और आपको तो फराहम कर रही थी चुनाची आपने भी इस दुनिया में एक अज़ीम इनकलाब बर्पा करने के लिए अपनी तमाम तर सलायतों को बरुए कार लाया और इसमें कामयाब भी हुए उम्मत मुस्लिमा के जिसम के इब्तदाई खलियों की बुनियाद खुद हजूर अक्रम ने मक्की दौर के उन मुश्किल अयाम में अपने दस्ते मुबारक से रखी थी इस इमारत के वो मजबूत सुतून के जिन पर इस अजीम इमारत को कायम होना था वो सबसे पहले आपकी दावत पर ईमान लाने वाले मुमिन थे जिनके अंदर इतनी अक्ल बहादुरी और नूरानियत पाई जाती थी कि वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को समझें और इसको अपने दिलों में जगा दें पस खुदा जिसे हिदायत देना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है सूर अन आयत 125 मक्की दौर के मुमिन की उस कलील तादाद जिनमें रोज बरोज इजाफा हो रहा था ने जिन मुश्किल और तकालीफ का सामना किया हम उनका तस्वर भी नहीं कर सकते एक ऐसे माहौल में जहाँ के तमाम इम्तियाजात और खसूसियात जाहिलाना रसूम व रिवाज पर मुश्तमिल थी जहाँ बेजा तसुबात हसद अंधी दुश्मनियाँ जलालत जुल्म जोर शहवानी ख्वाहिशात और दीगर बुराइयों ने लोगों की ज़िंदगियों को जकड़ रखा था फिर यकायक एक ऐसे खारदार और पथरीली जमीन पर ऐसे सरसब्ज और फलदार पौधे उगने लगे कि अमीर उलमिन फरमाते हैं जंगली दरख्तों की लकड़ी सख्त और आग शोलादार होती है नेहजुल खुतबा पैंतालीस यानी कि कोई बड़े से बड़ा तूफान भी उन नौ नालों और नन्हे पौधों को जो उस पथरीली जमीन पर अपनी जड़ें मजबूती से गाड़ चुके थे नहीं हिला सके इसी तरह तेरह साल गुजर गए फिर उन्हीं मजबूत और तवाना सुतूनों पर इस्लामी मदनी और नबवी मुआरे की बुनियाद रखी गई इस्लामी निजाम की बुनियाद उम्मत साजी सिर्फ सियासत नहीं बल्कि सियासत खुद उम्मत साजी का एक हिस्सा है उम्मत साजी जैसा अहम काम एक एक फर्द की तालीम और तरबियत से इबारत है गारी 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 उस खुदा ने मक्का वालों में एक रसूल को भेजा जो उन्हीं में से था कि उनके सामने आयत की तिलावत करे उनके नफूस को पाकिजा बनाए और उन्हें हिकमत की तालीम दे सुर जुमा आयत दो यानी पैगम्बर इस्लाम को एक एक आदमी की तरबियत करनी थी अल्ले किताबा वल हिकमा हिकमत एक दरजा ऊपर है ऐसा नहीं था कि आप लोगों को सिर्फ एहकाम और कवानी सिखाते थे बल्कि आप उन्हें हिकमत भी सिखाते थे दुनिया के हकायक के सामने उनकी आंखों को खोलते थे पैगम्बर इस्लाम दस साल तक इस तरीकाकार पर अमल करते रहे तो दूसरी तरफ सियासत और हुकूमती उमूर की देखभाल इस्लामी मुमलिकत की सरहदों की हिफाजत इस्लाम की तबलीग और तरवीज मदीना के बाहर से लोगों को इज्तमाई और इनफरादी तौर पर इस्लाम की नूरानी तालिमात से बहरावर होने की राह हमवार करना तो दूसरी तरफ उनमें ऐसी एक एक फर्द की तालीम और तरबियत का अहतमाम इन तमाम कामों को एक दूसरे ऐसी अलग नहीं किया जा सकता कुछ लोग इस्लाम को एक इनफरादी मसला करार देते हुए सियासत को इस्लाम से अलग समझते हैं जबकि नबी अकरम ने हिजरत के आगाज़ पर यानी मक्का की दुशवार तरीन जिंदगी से छुटकारा पाते ही जो पहला काम अंजाम दिया वो सियासत ही था एक इस्लामी माशरे का वजूद इस्लामी निज़ाम हुकूमत का क्याम अफवाज इस्लामी का क्याम और दुनिया के बड़े बड़े सियासतदानों के नाम खतूत लिखना उस दौर के अजीम सियासी अमूर ही थे ये कैसे मुमकिन है कि सियासत को इस्लाम से अलग किया जाए ये क्यों कर मुमकिन है कि सियासत को इस्लाम के निजाम हिदायत के अलावा किसी और निजाम के हवाले किया जाए जिन लोगों ने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है सूरह हिजर आयत इक्यानवे क़र की बाज आयतों पर ईमान लाया जाए और बाज को कबूल न किया जाए तोहफल अकूल सफा चार सौ पिचयासी यानि क़रआन की इबादी तालीमत पर ईमान रखते हैं लेकिन उसकी सियासी तालीमत पर ईमान नहीं रखते हैं बेशक हमने अपने रसूलों को वाज दलाइल के साथ भेजा है और उनके साथ किताब और मीजान को नाजिल किया है ताकि लोग इंसाफ के साथ कयाम करें सुरह हदीद आयत पच्चीस ये किस्त क्या है किस्त यानी और ये काम कौन कर सकता है पर और यही अम्बिया का हदफ भी था न सिर्फ हमारे नबी बल्कि जनाबी ईसा जनाब मूसा जनाब इब्राहिम और दीगर तमाम अम्बिया का मकसद और हदफ सियासत और इस्लामी निजाम का क्याम रहा है मदीना के दस साल दौरे हुकूमत में हजूर अक्रम की सीरत पूरी तारीख इंसानियत का दरखशान तरीन दौर है और ये कोई मुबालगा आरा नहीं है लिहाजा जरूरी है कि तारीख बशरियत के इस मुख्तर मगर मुतहरक और हैरान कन हद तक मवसर दौर को समझा जाए मदनी जिंदगी का ये दस साल दौर आपकी तेईस साल दौर रसाल दूसरा हिस्सा है जबकि तेरह साल मक्की दौर आपके दौर रसाल पहला हिस्सा या उस दूसरे हिस्से के लिए तमहीद की हैसियत रखता था हजूर अक्रम की मदन जिंदगी का दस साल दौर जो इस्लामी निजाम हुकूमत कायम करने हुए हर जमाने और हर जगह बसने वाले इंसानों के सामने इस्लामी हाकमियत का एक रोल मॉडल पेश करने का दौर है ये एक ऐसा कामिल नमूना और रोल मॉडल है कि इसकी दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती लेकिन इस कामिल नमूने को देख कर कुछ खसूसियात की पहचान हासिल की जा सकती है और वो खूसियात इंसानों और मुसलमानों के लिए निशान राह की हैसियत रखती हैं और इन्हीं खसूसियात को देख कर किसी भी निजाम और इंसान के बारे में फैसला किया जा सकता है पैगम्बर अक्रम की हिजरत का मकसद उस फासद और जालिमाना निज़ाम के खिलाफ नबर होना था जो उस दौर के सियासी इकतसादी और इज्तमाही मैदानों में मुस्तकम था आपका मकसद सिर्फ कुफ् मक्का से निमटना ही नहीं था बल्कि ये एक आलमी मसला था आपकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि जहाँ कहीं भी जमीन हमवार नजर आती वहाँ इस उम्मीद के साथ इस्लामी अकीदे का बीज बोते थे कि वक्त आने पर ये बीज एक सरसब्स पौधे की शक्ल इख्तियार करेगा आपका हदफ ये था कि आज़ादी बेदारी और इंसानी खुशबी का ये पैगाम हर शख्स तक पहुँच जाए और जाहिर है की ये काम एक रोल मॉडल निजाम को वजूद में लाए बगैर मुमकिन न था लिहाजा आप मदीना तशरीफ लाए ताकि एक रोल मॉडल निजाम वजूद में ला सकें और ये कि इस निजाम को कब तक चलाया जा सकता है या बाद में आने वाले लोग किस हद तक खुद को इस निजाम से वाबस्ता रख सकते हैं वो उन्ही आरोप मुनहस है नबी का काम तो एक मिसाल कायम करना और उसे तमाम इंसानों और तारीख के सामने पेश करना है पैगम्बर इस्लाम सलाम ने जो निजाम कायम किया वो कई खूसियात का हामिल था मगर उनमें से मानवियत को एक ऐसे महरिक और मशीन की हैसियत हासिल है जो हकीकत में उस निजाम को आगे बढ़ाने वाला है जो लोगों के दिलो जहन के सरच्मे से फूटता और इंसान के हाथ पैर और दीगर आजाजवार को सही रास्ते पर कायम रखता है बस नबी निज़ाम की पहली खत लोगों में ईमान और मानवियत की रूह फूंकना और उनके अकायद को इस्तेकाम बख्शना है पैगम्बरी अक्रम ने इस काम का आगाज मक्का से किया और मदीना में उसके परचम इकतदार को पूरी ताकत के साथ बुलंद किया दूसरी खसूसियत अदल यानी नबी नबीम के कायम करदा निज़ाम में कवानी के नफाज का हकी अदलो इंसाफ और किसी का लिहाज किए बगैर हक को उसके हकदार तक पहुँचाना है तीसरी खसूसियत और मार्फत नबी निज़ाम में हर चीज की बुनियाद इमारफत और, और आगही और बेदारी पर कायम है यहाँ आँखें बंद करके आगे बढ़ने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं लिहाजा यहाँ पर लोगों को इल्म मारुफत के जरिए कुवते फैसला अता करते हुए उन्हें एक कार आमद उन्हें एक बेमकसद और नाकारा आदमी बनाया जाता है चौथी अखुवत और भाईचारगी नबी निज़ाम में खुराफात, जती मफादात और नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर होने वाले झगड़ों को बुरा समझा जाता है और उनके खिलाफ जहाद किया जाता है क्योंकि यहाँ अखुवत भाईचारगी और हमदर्दी का माहौल पाया जाता है पाँचवी खूसियत अखलाक और किरदार की असलाह जिसके जरिए ये निज़ाम हर किस्म की अखलाक की बुराइयों से इंसान को पाकसाफ करता और उसे तमाम आलूदगियों से नजात देता है और उसे एक बाखलाक और पाकसाफ इंसान बनाता है उन्हें पाकिजा बनाता है और किताबिकमत की तालीम देता है सुरय आल इमरान आयत एक सौ चौसठ यहाँ तजकिया नफ्स को बुनियादी हैसियत हासिल है यानी नबी अक्रम अपने बेहतरीन तरीका तरबियत के जरिए आदमी को इंसान बनाते थे छठी खसूसियत इज्जत और इकतदार नबी निज़ाम और इस्लामी माशरा गैरों के सामने दस्त सवाल नहीं फैलाता उसे अपनी इज्जत और अपने इकतदार से बड़ा प्यार है वो अपनी मसलहतों का तयन खुद करता है फिर अपने अगराज मकासद के हुसूल के लिए शाहरा नजात पर गामजन होता है सातवीं खत काम कोशिश और मुसलसल जिद्द जहद इस्लामी माशरा और निजाम नबी में ठहराव और जमूद का कोई तस्वर नहीं बल्कि यहाँ तो मुसलसल जिद्द कोशिश और काम का रिवाज है यहाँ ऐसा मरहला ही नहीं आता जहाँ ठहर कर इंसान ये कह सके कि काम अब खत्म हो गया अब तो बस आराम किया जाए इस में एक अलबत्त पाई जाती है इस काम में थकन सुस्ती और मलाल का गुजर भी नहीं है बल्कि ये एक ऐसा काम है जो इंसान के अंदर एक सुरूर और शौक पैदा करता है पैगम्बर अक्रम सल्लाम एक ऐसे निजाम को मुकम्मल तौर पर अमली जामा पहनाकर हमेशा के लिए बतौर नमूना तारीख के सामने पेश नजर रखने के इरादे से मदीना में दाखिल हुए ताकि आप के बाद रहती दुनिया तक तारीख का कोई भी शख्स कभी और कहीं भी इस तरह का निजाम वजूद में ला सके और लोगों के दिलों को इस जानेब मुतव कर सके ताकि लोग एक अच्छे माशरे की जानेब बढ़ सके अलबत् एक ऐसे निजाम को वजूद में लाने के लिए दर्ज ऐल मज़बूत एतकदी और इंसानी बुनियादों की जरूरत है अव्वल सबसे पहले सही अकायद और फिक्र सलीम का होना जरूरी है ताकि उन सही अफकार पर उस निज़ाम की बुनियाद रखी जा सके पैगम्बर इस्लाम ने तेरह साल मक्की दौर में उन अकायद और अफकार को कलमाय तोद इंसानी इज्जत और दीगर मारफ के कालिब में बयान फरमाया और इसके बाद मदीना मनवर में अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हा तक एक एक मुसलमान को अफकार की तालीम देते रहे जिनके दो, जिन दोष पर इस अजीम इमारत की बुनियाद रखनी थी लाजमी जरूरत थी क्योंकि इस्लामी निजाम का वजूद किसी एक फर्द से वाबस्ता नहीं है लिहाजा पैगम्बर इस्लाम ने मक्का मुकरमा में बहुत सारे ऐसे ही इंसानी सुतून वजूद में लाए और उन्हें तैयार किया मक्का मुकरमा में पैगम्बर इस्लाम के अजीम सहाबा कराम की एक बड़ी तादाद जिनके मकामो मरतबे में फर्क जरूर था मौजूद थी जो पैगम्बर इस्लाम के तेरह साल सख्त तरीन मक्की दौर की जिद्दोजहद और कोशिशों का नतीजा थी कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो हिजरत रसूल से पहले ही आपका पैगाम सुनकर यसरब में ईमान ला चुके थे जैसे बिन माज और अबू अयूब अंसारी और दूसरे बहुत सारे अफरा इसके बाद मदीना तशरीफ लाते ही पैगम्बर ने लोगों की तरबियत का फरीजा अंजाम देना शुरू किया जिसके नतीजे में दिन ब दिन शायस्ता शुजा मुदबिर मोमिन बा और हकीम अफराद मदीना में जाहिर होते गए जहाँ हर एक का किरदार उस बलंद इमारत में एक अहम और मुस्तकम सुतून की हैसियत रखता था पैगम्बर इस्लाम का मदीना हिजरत करना आपके हिजरत करने से पहले उस शहर को यसरब कहा जाता था और आपके तशरीफ लाने के बाद उसका नाम मदीनातुल्नबी पड़ गया ऐसा ही था जैसे मौसम बहार के हवा का मुलायम झोंका जिसने उस पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था और सबको ये एहसास होने लगा था की यकीन कोई तब्दीली आ चुकी है लिहाजा लोगों के दिल और दिमाग मुतवजा और बेदार होने लगे और जब लोगों को इस बात का पता चला कि आप कुबा के मकाम पर तशरीफ ला चुके हैं कुबा मदीना के करीब एक जगह है जहां आपने पंद्रह दिन क्याम किया तो अहले मदीना के दिलों में आपकी ज्यादा का इश्तिया बढ़ने लगा तो बाज लोग आपके दीदार की खातिर कुबा पहुँचे और बाद मदीना ही में आपका इंतजार करने लगे और जब आप मदीना तशरीफ ला चुके तो इस शौक जियारत ने लोगों के दिलों में एक तूफान बर्पा कर दिया था और उन्हें तब्दील करके रख दिया लोगों को यकायक ये एहसास होने लगा कि इस अजीम शख्सियत की रफ्तार और गुफ्तार की वजह से उनके अकाद एहसासबाइली तस्ुबात और उनसे वाबस्तगियाँ खत्म हो चुकी हैं और वो एक जदीद दरवाजे से हकायक आलम और अखलाकी मार्फ से रोशनास हो चुके हैं ये वो तूफान था कि जिसने पहले तो मदीना के लोगों के दिलों में पैदा कर दिया और बाद में मदीना के अतराफ में भी फैलने लगा फिर उसने मक्का के कलों को तस्खीर कर दिया और आखिरकार दूर दराज के इलाकों में भी कदम रखना शुरू कर दिया यहाँ तक कि उस दौर की दो अजीम ताकतों के मरकज तक पहुँच गया और जहा भी गया उस इनकलाब ने लोगों के दिल दहला दिए और उनके वजूद में एक इनकलाब बरपा कर दिया सदर-ए-अव्वल के मुसलमानों ने ईरान और रूम को अपने ईमान की ताकत से फतह किया और जिन इलाकों को फतह किया वहां के लोगों के दिल भी मुसलमानों को देखकर ईमान के नूर से मुनव्वर हो जाते थे तलवारें तो सिर्फ इसलिए थीं कि उनके जरिए रास्ते की रुकावटों को हटाया जाए वरना लोगों की اکثریت ने हर जगह इस इनकलाबी पैगाम को कबूल कर लिया था और उस दौर की दो सुपर ताकतें यानी ईरान और रूम मुकम्मल तौर पर निज़ाम इस्लामी और ममलिकत इस्लामी का हिस्सा बन चुके थे ये सब कुछ चालीस साल के अरसे में हो चुका था जिनमें से शुरू के दस बरसों में पैगम्बर इस्लाम बनफ नफीस मौजूद थे जबकि बाकी तीस बरस का ताल्लुक आपकी वफात के बाद से है नबी मुकर्रम ने मदीना पहुंचते ही अपने काम का आगाज फरमाया आपकी जिंदगी का एक हैरत अंगेज शाहकार ये भी है कि आपने उन दस बरसों में एक लम्हा भी जाया नहीं दिया तारीख गवाह है कि आपने कभी भी मानवीय हिदायत और तालीम और तरबियत की नूर अफशानी में ज़र्रा बराबर तामुल से काम नहीं लिया आपका सोना जागना कूचा बाजार में आना जाना इबादत बंदगी घरेलू जिंदगी और आपके वजूद मुबारक से हर शय एक दर्स का रखती है अक्रम की मुबारक हयात में अजीब बरकत पाई जाती है ऐसी बाबरकत जिंदगी जिसने पूरी तारीख को अपनी तरफ मुतवज्जा किए रखा और पूरी तारीख पर असरअंदाज रही मैं बारहा अर्ज कर चुका हूँ कि मसावत व बराबरी अखवत बरदरी अदलो इंसाफ और इंसान दोस्ती जैसी बहुत सी मुकदस तलीमत जिनके तकदस को इंसान सदियों बाद समझ पाया है उनका तकदस आइन मोहम्मदी वसल्लम के सदक़े में बरकरार है दूसरे अध्यान की तालीमत में या तो ऐसी आला सिफात का वजूद ही नहीं था या कम अज कम उन्हें उरूज नहीं मिला आपने ये सारे काम अपनी दस साल हुकूमत के दौरान अंजाम दिए थे आपकी जिंदगी कितनी बाबरकत थी आपने मदीना पहुंचते ही अपनी पोजीशन को वाजफ कर दिया जिस पर हुजूर सवार थे जब वो मदीना में दाखिल हुई तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हुए उस दौर में मदीना मुख्तलिफ मोहल्लों में तकसीम था और हर मोहल्ले में मुतद घराने और गली कूचे थे हर मोहल्ला किसी न किसी कबीले से मुताल था लोगों में भी किसी का ताल्लुक औसत से था तो किसी काबीला हजरत से जब आपकी ऊँटनी यशरप में दाखिल हुई और जिस कबीले और मोहल्ले से गुजरती थी उस कबीले के बुजुर्ग आगे बढ़कर ऊंटनी की मुहार थाम कर कहते ए के रसूल, यहीं ठहर जाइए हमारा घर हमारी जिंदगी हमारा माल और दौलत सब आप पर निसार हुजूर फरमाते थे ऊंटनी के सामने से हट जाइए इन्ना माम बिहार जिल्द 19 सफा 109 क्योंकि ये हुक्म के मुताबिक चल रही है लिहाजा इसे जाने दीजिए लोग ऊंटनी के सामने से हट गए और दूसरे मोहल्ले पहुंच गई। तो यहाँ भी कबीले के सरदारों बुजुर्गों, बूढ़ों और जवानों ने आगे बढ़कर आपकी ऊंटनी के मुहार थाम कर कहा अल्लाह के रसूल यहीं पर उतर जाइए ये आप ही का घर है आप जो चाहें आपको फराहम किया जाएगा हम सब आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं आपने फरमाया रास्ते से हट जाइए और ऊँटनी को आगे बढ़ने दीजिए इन्ना मतुन आपकी ऊँटनी मुख्तलिफ गलियों और मोहल्लों से होते हुए बनी नजार के मोहल्ले तक पहुंच गई हुजूर अकरम की वालिदा माजदा जनाब आमिना का ताल्लुक भी उसी कबीले से था जिसकी वजह से कबीला नज्जार का शुमार आपके ननिहाल में होता था लिहाजा उस कबीले के लोगो ने आगे बढ़कर कहा अल्लाह के रसूल हम आपके रिश्तेदार हैं हमारी जाने आप पर कुर्बान आप हमारे यहाँ उतर जाइए आपने फरमाया नहीं इन्ना मामूरत सामने से हट जाइए और रास्ता दीजिए सवारी हुक्म की पाबंद है यहाँ तक के ऊटनी चलते हुए मदीना के गरीब मोहल्ले में बैठ गई सब देखना चाहते थे कि ये किसका घर है लोगों ने देखा कि ये अबू अयूब अंसारी का घर है यानी मदीना के गरीब और नादार लोगों में से एक शख्स का घर है अबू अंसारी और उनके अहल खाना बाहर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हजूर गए। नबी भी एक मेहमान की हैसियत से घर में दाखिल हुए हुजूर अकरम ने मदीना के कबाइल के सरदारों और रईसों की दावत मुस्तरद करते हुए अपनी इज्तमाही पोजीशन को वाजह कर दिया और सब समझ गए कि सरवर कायनात का मैाराशरत मालो मनाल जाो जलाल कौम कबीला रिश्तेदारी वगैरह न अब है और ना ही आइंदा कभी होगा आपने पहले मरहले में ये वाज कर दिया कि इज्तमाही मामला में लोगों से आपका सलूक किस बुनियाद पर उसवार होगा और आपका वजूद किस तबके के लिए ज्यादा मुफीद होगा सब नबी करीम के वजूद नूर और आपकी तालीमातः से बहरामंद होंगे मगर जो तबका माशरे में महरूम और मजलूम था वो अब ज्यादा आपकी रहमत का हकदार होगा ताकि उसकी महरूमियों और मजलूमियत की तलाफी हो सके अबू अयूब अंसारी के घर के सामने बेकार जमीन का एक टुकड़ा था आपने दरियाफ्त किया ये जमीन किसकी है कहा गया की दो यतीम बच्चों की है आपने अपनी जेब से रकम देकर वो जमीन खरीद ली और फरमाया और सियासी सरगर्मियों का मरकज यानी लोगों के इज्तम की जगह इस्लामी माशरे को ऐसे मरकज की जरूरत थी लिहाजा मस्जिद की तमीर शुरू हो गई आपने मस्जिद की जमीन के लिए किसी से दरखास्त नहीं की किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया बल्कि खुद अपनी रकम खर्च की अगरचे उन दो बच्चों के सर पर बाप का साया न था और उनका कोई दूसरा हिमायती और तरफदार भी न था मगर सरवर कायनत ने एक मेहरबान बाप और शफीक सरपरस्त का किरदार अदा करते हुए उनके हक का लिहाज रखा और जब मस्जिद की तामीर शुरू हुई तो सबसे पहले खुद पैगम्बर राम ने अपने दस्ते मुबारक से जमीन की खुदाई शुरू की सिर्फ एजाजी तौर पर नहीं बल्कि हकीकी मानों में मेहनत की और पसीना बहाया आप तामीराती काम में इस तरह मसरूफ थे कि हाथ पर हाथ धरे हुए लोग भी ये कहते हुए तामीर के कामों में मशगूल हो गए कि नबी काम करें और हम बैठे रहें सब की अंथक मेहनतों के नतीजे में मस्जिद की तामीर बहुत जल्दी मुकम्मल हो गई। नबी अकरम ने अपने अमल से ये वाजह कर दिया कि अगर कौम की रहबरी मेरे इख्तियार में है मगर इसका मकसद सल्तनतों हुक्मरानी नहीं है अगर ये तय हो कि माशरे में कोई काम अंजाम पाए तो उसमें उस कौम का रहबर भी दूसरे लोगों की तरह अपना खून पसीना बहाएगा इसके बाद आपने सियासी मामला और हुकूमती से अपने मनसूबे का आगाज फरमाया जब इंसान इन तमाम चीजों का बगौर मुता करता है तो बखूबी समझ जाता है कि उसके पीछे कोई कवि और मजबूत सोचकार फरमा है, जो अल वही इलाही के बगैर मुमकिन नहीं आज अगर कोई शख्स उन दस बरसों का कदम ब कदम मुताल करना चाहे तो वो कुछ भी नहीं समझ सकता और अगर इंसान एक एक वाक का अलग से जायजा ले तो भी कुछ नहीं समझ पाता है लिहाजा ये देखना जरूरी है कि काम की तरतीब क्या है और किस तरह ये सारे उमूर बेहतरीन तरीके और होशियारी के साथ मुनजम और सही तौर पर अंजाम पाए पहला काम इतिहाद की फजा को ईजाद करना था क्योंकि मदीना में बसने वाले तमाम लोग मुसलमान नहीं हुए थे उनकी अक्सरियत ने इस्लाम कबूल किया था लेकिन कुछ लोग अब भी गैर मुस्लिम थे उनके अलावा भी मदीना में तीन अहम यहूदी कबाइल यानि बनी कायनका, बनी नुजैर और बनी क्रैज़ा रिहायश पजीर थे और हर कबीले का एक ख़ास कला था यानि ये कबीले अपने मखसूस कलों में जो तकरीबन मदीना से जुड़े हुए थे ज़िंदगी गुजार रहे थे ये कबाइल कोई सौ दो सौ साल पहले मदीना आकर आबाद हुए थे लेकिन ये लोग यहाँ आकर आबाद क्यों हुए खुद एक तफसीली बहस है जब सरवर कायनत वसलम मदीना में वारद हुए उस वक्त मदीना में उन यहूदियों को चंद इम्तियाजा हासिल थे पहला इम्तियाज ये था कि मदीना की असली दौलत सरबत बेहतरीन खेत बेहतरीन तजारत यानी सोना चांदी और जवाहरात की सन्नतें वगैरह उन यहूदियों के अख्तियार में थी मदीना की अक्सर लोग बवक् जरूरत उनके दस्त हुआ करते थे उनसे कर्ज लेते और फिर सूद के साथ उसे वापस करते थे यानी मदीना की पर उनका कब्जा था दूसरा ये कि तहजीब और मदनीत के लिहाज से भी यहूदी मदीना की दीगर कौमों पर बरतरी रखते थे जाहिर है अहले किताब होने की बुनियाद पर वो मुख्तलिफ मुख्तलिफलूम और दीनी तालीमात से आशनाई रखते थे लिहाजा फिक्री लिहाज से वो दूसरों पर तसलुत रखते थे अगर आज की इस तरह में कहा जाए तो ये लोग उस जमाने का रोशन ख्याल तबका कहलाते थे लिहाजा दूसरे अफराद को अहमक बेवकूफ़ और हकीर जानते थे और अगर कहीं खतरा महसूस करते तो वहां दब भी जाते थे लेकिन तिबी तौर पर अपने आप को बरतर समझते थे तीसरा इम्तियाज उनका ये था कि दूर दराज के इलाकों से भी ताल्लुकात रखते थे लिहाजा ये एक ऐसी कौम नहीं थी जो सिर्फ मदीना के अंदर महदूद हो मदीना के यहूदियों के इन इम्तियाज और उनकी हैसियत के पेश नज़र रसूल रसुलकरम वसल्लम के लिए जरूरी हो गया था कि अपने ताल्लुक की हदूद और शराब का तयन करें जब आप मदीना में दाखिल हुए तो बगैर किसी माहे और लोगों से किसी भी किस्म का कोई तकाजा किए बगैर ये वाज हो गया कि इस माशरे की कयादत आपके पास है यानी आपकी शख्सियत और नबवी अजमत ने तिबी तौर पर तमाम लोगों को आपके मुकाबले में सर तस्लीम हम करने पर मजबूर कर दिया और सब पर यह बात आया हो गई कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे रहबर और कायद हैं कि जो कहते हैं सबको उस पर अमल करना है लिहाजा आपने एक ऐसा मिसाक आम सामने रखा जो सबको काबिल कबूल था उस मीसाक में इज्तमाही रहन सहन मामला इख्तलाफा दियत और मुखालफी यानी यहूदियों और दीगर गैर मुस्लिमों के साथ हजूर अक्रम के ताल्लुक वगैरह जैसे मसाइल से मुताल शराय और कवायद दर्ज थे इसके बाद अगला इंतहाई अहम कदम अखवत और भाईचारगी का क्याम था तबकाती निज़ाम बेजा तस्बात कबायली गुरूर और माशरे के मुख्तलि तबक के दरमियान दुश्मनी और नफरत उस दौर के मुतासिब और जाहिल मुआरे के लिए किसी बला से कम न थी लेकिन पैगम्बर इस्लाम ने लोगों के दरमियान अखुवत और भाईचारगी का रिश्ता कायम करके उन तमाम मसाइल को अपने पांव तले कुचल दिया। आपने एक कबीले के सरदार को इंतहाई गरीब और तबके के शख्स का भाई बनाते हुए फरमाया, आज से तुम दोनों आपस में भाई हो और उन्होंने भी भाईचारगी के इस रिश्ते को खुशी खुशी कबूल कर लिया आप खानदान के बुजुर्गों कबाइल के सरदारों और आजाद शुदा मुस्लिम गुलामों को एक ही सफ में खड़ा करते थे आपके इस अमल ने और हमदर्दी की राह में मौजूद तमाम रुकावटों को खत्म कर दिया जब मस्जिद के लिए एक मौजिम के इंतबाब की बारी आई तो आपने तमाम रईसों खुशलहानों और खूबसूरत शक्ल अफराद को छोड़कर बिलाले हबशी को बतौर मज़न मुन किया आपने इस तरीका इंतबाब के जरिए वाजह कर दिया की यहाँ महज खूबसूरती खुशलहानी खानदानी इम्तियाजा और कबाइली शर्फ की कोई हैसियत नहीं बल्कि यहाँ मैार सिर्फ इस्लामो ईमान राह खुदा में जहाद और ईसारो फिदाकारी जैसे आला अखलाक फजाइल हैं। गौर कीजिए कि सरवर कायनात ने किस तरह अमली तौर पर इंसानी अकदार को सरबलंद दिया ताकि आपने अपने कौल से ज्यादा अमल सीरत और किरदार के जरिए लोगों के दिलों को मुतासर किया इस्लामी निजाम की हिफाजत इस काम को अमली जामा पहनाने के तीन मराहल थे पहला मरहला उस निजाम की बुनियाद रखना था जो मजकूरा कामों के जरिए अंजाम पाया दूसरा मरहला उस निजाम की हिफाजत का था एक जिंदा और मौजूद चीज जो रुश्तो कमाल की तरफ बढ़ रही हो अगर ताकतवर हलकों को पता चले तो तबीयती तौर पर वो उसे अपने लिए खतरा समझते हैं और यकीनन उसके दुश्मन हो जाते हैं अब अगर पैगम्बर इस्लाम कमाल होशियारी के साथ उस नौजायदा निज़ाम को उसके दुश्मन ऐसी बचाने में कामयाब न हो सके तो ये निजाम तबाह बर्बाद हो सकता है और आपकी तमाम जहमतें रायगा जा सकती हैं। बस इसकी हिफाजत जरूरी थी तीसरा मरहला उस इमारत की तामीर है सिर्फ बुनियाद रखना काफी नहीं बल्कि ये पहला कदम है लिहाजा इन तीनों मरहलों को बेतरतीब अंजाम देना जरूरी था अलबत् निजाम के पहले मरहले यानी इसकी बुनियाद रखते हुए भी दुश्मन से बच के रहने और इसके बाद इसकी हिफाजत भी जरूरी थी इसी तरह इस निजाम की बुनियाद ही में लोगों और उनके इज्तमाई मसाइल पर भरपूर तवज्जो दी गई और इसके बाद भी उन पर खासी तवज्जो दी जाती रही पैगम्बरी अक्रम सलम ने अपनी तेज बीन निगाहों से देखा कि इस नौजायदा इस्लामी माशरे को पांच असली दुश्मनों की तरफ से खतरात लाक हैं पहला दुश्मन इर्द गिर्द के कबाइल थे बाजात दुश्मन छोटा और बेअहमियत होता है मगर उससे गफलत बरतना नुकसानदेह साबित होता है क्योंकि मुमकिन है यही छोटा दुश्मन कुछ मुद्दत बाद बड़े दुश्मन की शक्ल इख्तियार कर ले ये दुश्मन कौन है ये अतराफ मदीना के कुछ ऐसे कबाइल थे जिन्हें वहशी कहना नामनासिब न होगा उनकी पूरी जिंदगी जंगो खून रेजी गारदगरी और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई ऐसी इबारत थी मदीना में काबले इतमान इज्तमाई नज्म जब्त के बावजूद अमन की बहाली के लिए के लिए जरूरी था की उनबाइल के हवाले ऐसी कोई फैसला करें लिहाजा आपने हर उस कबीले से अमन सलामती का मुहिदा किया जिसमें जर्र बराबर भी मुरत मरदांगी पाई जाती थी इब्तदा में उन्हें इस्लाम की दावत नहीं दी बल्कि उन्हें अपने कुफर शिरक पर बाकी रहने दिया और मुहिदा सिर्फ अमन की बहाली के लिए था आप उस माहे के पाबंद रहे लेकिन जब लोगों ने ही मुआदा तोड़ दिया तो सरवर कायनत ने भी उन्हें सबक सिखाने की तदबीर की तारीख इस्लाम के मुतद सराया का ताल्लुक उन्हीं माहिदा शिकन कबाइल से है सरिया उस लश्कर को कहते हैं जिसके सिपाहियों की तादाद 400 से कम हो और इस तलह में यह लफ्ज गजवा के मुकाबले में इस्तेमाल होता है यानी सरिया उस जंग को कहा जाता है जिसमें हजूर अक्रम ब नफ्स शरीक न हुए हों जिन लोगों को नसीहत की जबान रास नहीं आती उनके फितनों की आग को सिर्फ जोरे बाजू ही से खामोश किया जा सकता है इस उसूल के तहत नबी अकरम ने ताकत इस्तेमाल करके उनकी गुस्ताखियों और अमन मुखालिफ सरगर्मियों का खात्मा किया दूसरा दुश्मन मक्का मुकर्रमा में मौजूद मुशरकिन थे मक्का को मरकजियत हासिल थी अगरचे यहाँ कानूनी तौर पर किसी एक की हुकूमत नहीं थी मगर कुछ मतकबर ताकतवर और बासर सरदारों के एक ग्रोह की दादागिरी जरूर चलती थी उनके आपस में खल्फात तो था लेकिन उस जदीद और नए दिन के मुकाबले में उनका इतिहाद मिसाली था पैगम्बर खुदा मक्का वालों को एक बड़े खतरे की शक्ल में देख रहे थे और ऐसा ही हुआ रसूल अक्रम ने ये महसूस किया कि अगर वो इस इंतजार में रहें कि ये लोग खुद आपके पीछे चले आएंगे तो यकीन दुश्मन को एक बेहतरीन मौका मिल जाता लिहाजा आप खुद ही उनके पीछे चले गए अलबत्ता आप सीधे मक्का नहीं गए बल्कि उनका एक तजारती काफिला जो मदीना के करीब से गुजर रहा था उसे आपके हुक्म पर रोक लिया गया जंग बदर की इब्तदा उसी से हुई जब आपने तजारती काफले को रोका तो वो भी तसुब और कीने के मारे आपके खिलाफ जंग के लिए मैदान में उतर आए अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक मुसलमानों को पहले ही ये खबर मिली थी की वो काफिरों के उस गुरोह को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे और ये हिजरत के दूसरे साल का वाक़ है कुरैश का तिजारती काफिला अपना तिजारती सामान लेकर मदीना के रास्ते शाम से मक्का जा रहा था जब यह काफिला मदीना के करीब पहुँचा तो मुसलमान सिपाहियों ने उसे घेर लिया जब कुफार मक्का को इस बात की इतना मिली तो उनका एक मुसल्ला गुरु अपने साथियों को बचाने के लिए मदीना की तरफ रवाना हुआ उधर अक्सर मुसलमानों की ये ख्वाहिश थी वो इस तजारती काफिले को जिनके पास अपने दिफा का कोई खास इंतजाम न था गिरफ्तार करें لكن حکم خدا یہ تھا کہ مسلمان قریش کے مسلح گروہ سے مقابلہ کریں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم سے وعدہ کر رہا تھا के दो ग्रहों में से एक तुम्हारे लिए बहरहाल है और तुम चाहते थे कि ताकत वाला ग्रोह न हो, आयत इस बात से आगाह थे कि इस जंग में वो कामयाब होने वाले हैं लेकिन उन्हें ये मालूम न था कि वो इस मुसल्ह ग्रोह को शिकस्त देने वाले हैं बल्कि वो शाम से लौटने वाले उस काफिले को गिरफ्तार करने को ही अपनी कामयाबी समझते थे लेकिन पैगंबर इस्लाम ने उनका रास्ता तब्दील कर दिया और आप उन्हें कुरैश मक्का के मुसल्ह ग्रोह से मुकाबले के लिए ले गए और उनके काफले को जाने दिया बदरनामी जगह पर मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान मुकाबला हुआ अब इसकी क्या वजह थी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के रुख को तजारती काफिले की तरफ से मोड़कर कुरैश मक्का के उस मुसल्ला ग्रोह की तरफ कर दिया इसकी वजह ये थी कि मुसलमान सिर्फ करीब के हदफ को देखते थे जबकि इरादा और मशीयत इलाही एक दूर के हदफ के तकुब में थी अल्लाह अपने क़लिमात के जरिए हक को साबित करना चाहता है सूर अनफाल आयत सात यानी अल्लाह ताला ये चाहता है कि पूरी कायनात में हक छा जाए ताकि हक साबित हो जाए और बातिल फना हो जाए चाहे मुजरमों को जितना भी बुरा लगे सुर अनफाल आयत आर्ट यानी अल्लाह ताला चाहता है कि बातिल मिट जाए क्योंकि वो तबीयतन जवाल पजीर ही होता है बातिल एक साथ उलट जाए क्या ये तय नहीं है कि इस्लाम तमाम शैतानी और तागूती ताकतों को सरनिगुं कर दे क्या ये तय नहीं कि सही इस्लामिया का बन जाए क्या ये तय नहीं कि इस्लाम का परचम बशरी और इंसानी अकदार की बुलंदी पर लहरा जाए तो फिर कब कैसे और क्यों कर होगा उस वक्त के मुसलमान दिल ही दिल में ये सोच रहे थे की अगर आज हम इस दौलतमंद क़ाफले को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए तो इतना माल हमारे हाथ लग जाएगा कि जिससे इस्लाम के नए निज़ाम को एक नई क़वत मिलेगी और उनकी ये सोच सही भी थी लेकिन उनकी इस सोच से बेहतर एक सोच ये भी थी कि आज हमने पैगम्बर इस्लाम की तबाह और पैरवी में इस क़दर तरक्की की है और हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब हम माशरे के मुतफ़ और महरूम तबके और दुनिया के तारीख निज़ाम को बदलने का सोच रहे हैं क्योंकि उस तालाब में इतना पानी मौजूद है कि उसमें लहरें पैदा की जा सकें और उन लहरों के जरिए उन नौनेहालों दरख्तों और खुश्क जमीनों को सैराब किया जा सके अगर ये तय है कि इस्लाम कामयाबी और कामरानी से हमकनार का हो अगर ये तय है कि इस्लाम का पैगाम अपनी पूरी शान शौकत के साथ गरीब और मुस्त इलाकों की तरफ फैल जाए अगर ये तय है कि जालिमों और सितमगरों के महल एक एक होकर जमी बोस हो जाए तो जरूरी है कि किसी एक नुकते से काम का आगाज किया जाए सदर अव्वल के मुसलमान अपने तमाम तरस के बावजूद ये नहीं जानते थे कि आगाज कहाँ से हो लिहाजा अल्लाह मौके पर उनकी रहनुमाई फरमाता है वो मुसलमान जो उस काफिले को लूटने आए थे उन्हें बादल नाखास्ता एक जंग की तरफ धकेलता है ताकि उस नाखास्ता जंग में जंगी वसाइल की कमी के बावजूद अपने ईमान के बलबूते पर एक ही दिन में दुश्मन को शिकस्त दे सकें और इस्लाम के पैगाम को आगे बढ़ने और लोगों में उसको राशि करने का रास्ता हमवार कर सकें और अल्लाह ताकमीत का रास्ता हमवार करके लोगों को ये समझा सकें कि ये इस्लाम है इसका किसी से मवाजना नहीं किया जा सकता ए मुसलमानों हमने तुम्हें अचानक उस बड़े लश्कर के साथ जंग का हुक्म दिया ताकि वो तुम्हारे हाथों जख्मों का मजा चख लें और उन्हें अल्लाह ताला की कुदरत का एहसास हो जाए जंग बदर में जब खुदा ताला के फजल करम ऐसी मुजाहिदी इस्लाम को कामयाबी मिली तो दुश्मन ने जो आसानी के साथ दस्तबरदार होने वाला न था अहद का फैसला कर लिया जंगे अहद में भी शुरू में तो मुसलमानों ने अपने इतिहाद और इतफाक के बलबूते पर दुश्मन को शिकस्त दी लेकिन कामयाबी हासिल करने के फौरन बाद वो पचास आदमी जिन्हें हुजूर अकरम ने पहाड़ी दर्रे की पहरेदारी पर मुक्र किया था इस बात के पेश नजर कि वो कहीं माल गनीमत जमा करने में दूसरों से पीछे न रह जाएं, अपनी जिम्मेदारी छोड़कर माल गनीमत जमा करने में लग गए सिर्फ दस मुसलमान सिपाही पहाड़ी दर्रे पर बैठकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहे दुश्मन ने इस मौके से फायदा उठाते हुए कोहे ओहद के पीछे और उस दर्रे की जानब से जहां मुसलमान सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी मुसलमानों पर हमला कर दिया दुश्मन का ये हमला मुसलमानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ अगरचे उस वक्त भी इस्लाम को शिकस्त नहीं हुई लेकिन एक तो इस्लाम को कामयाबी देर से मिली और दूसरी बात यह कि इस गफलत के नतीजे में इस्लाम को हजरत हमजा जैसे शुजा और बहादुर कमांडर की कुर्बानी देनी पड़ी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इबरत के साथ साथ गौर फिक्र की भी दावत देते हुए फरमाया कि हमने अपने वादे पर अमल किया हमने कहा था कि तुम्हें दुश्मन पर कामयाबी हासिल होगी सो हो गई लेकिन इसके बाद तुम्हारे अंदर दर्ज ज़ैल तीन खसलतें पैदा हो गईं जिनकी वजह से तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा वो तीन ख़सलतें ये हैं: पहली ये के तुमने आपस में इख्तलाफात का शिकार होते हुए अपनी सफों को दरहम बरहम कर दिया दूसरी ये के तुम सुस्ती का शिकार हो गए यानी पहला वाला जोश और जज्बा बाकी नहीं रहा है तीसरी ये के तुम तुमने पैगम्बर इस्लाम के हुक्म को ठुकराया जब तुम्हारे अंदर ये तीन खसलतें पैदा हुईं, तो दुश्मन को ये मौका मिला कि वो पीछे से तुम पर हमला कर सके और इस्लाम के अजीज तरीन सिपाहियों को खाक खून में गलता करे जिसके नतीजे में मिल्ल इस्लामिया को एक शुजा और बहादुर तरीन शख्स से हाथ धोना पड़ा मुशरकिन मक्का ने आपसे जो आखिरी जंग की वो जंग ख है जिसका शुमार इंतहाई अहम जंगों में होता है मुश्रकिन मक्का ने अपनी उस शर्मनाक साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए यहूद और दीगर बहुत सारे बुतप्रस्त कबाइल की मदद हासिल की वो चाहते थे कि मदीना मुनवरा पर एक बड़ा और फैसला कुन हमला करके इस्लाम की उस ताज़ा हुकूमत का खात्मा करें और रसूल खुदा और उनके दो चार सौ वफादार जानसारों को शहीद करके इस्लाम का नामो नशान मिटा दें लेकिन उनके यहाँ पहुँचने से पहले ही जब हुजूर अकरम को उस साजिश का पता चला तो आपने खंडक खुदवाई जिस जगह से मदीने पर हमले का खतरा था वहाँ पर तकरीबन 40 मीटर चौड़ी खंडक खोदी गई रमजान मुबारक का महीना था बाज रिवायात के मुताबिक सख्त सर्दी का मौसम था उस साल बारिश न होने की वजह से लोगों के महसूल की भी खासी कमी हो गई थी लिहाजा बेशुमार मुश्किल का सामना था उन सबसे बढ़कर ये कि खुद हुजूर अकरम बनफ से नफीस खंदक खुदने में मसरूफ थे जब खंदक की खुदाई का काम शुरू हुआ तो आप वहाँ मौजूद थे और देखते थे कि जब भी उनमें से कोई थक जाता या काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाता तो आप आगे बढ़कर उसके हाथ से औजार ले, ले लेते और खुद काम करना शुरू कर देते थे यानी आप सिर्फ हुक्म नहीं चलाते बल्कि बनफ से नफीस लोगों के दरम्यान मौजूद होते थे और काम करते थे ने मक्का ने जब मदीने के अतराफ में खुदी हुई खंदक को देखा और उन्हें ये एहसास हुआ कि वो खंदक पार नहीं कर सकते हैं तो मायूस होकर वापस लौट गए इस मौके पर आपने फरमाया, ने मक्का का हम पर यह आखिरी हमला था आज के बाद वो हम पर हमला नहीं कर सकेंगे बल्कि हम मक्का मुकर्रमा जाकर उन पर हमला करेंगे उसके अगले साल पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि हम उम्रा अदा करने मक्का मुकर्रमा जाना चाहते हैं सुलह सुलहुदबिया का वाक़ जो तारीख़ इस्लाम का एक पुरमगज और पुरमानी वाक़ है उसका ताल्लुक भी उसी जमाने से है आ हजरत सल्ह वसलम उम्र के कस्त से मक्का मकरमा की तरफ रवाना हुए मुश्रकिन ने देखा कि हजूर अक्रम ऐसे महीने में मक् की तरफ आ रहे हैं जो काबिल एहतराम है कि जिसमें जंग नहीं की जा सकती क्योंकि मुशरकिन भी इन महीनों का एहतराम करते थे लिहाजा सोचने लगे कि क्या किया जाए आपको आने दिया जाए या रोक दिया जाए? अगर आने देते हैं, तो फिर मुकाबले की क्या क्या सूरत हो? क्या हराम में भी जंग की जाए किस तरह जंग की जाए इस तरह के ढेरों सवाल उनके जहनों में उठ रहे थे आखिरकार फैसला ये हुआ कि हजरत मोहम्मद को मक्का मुकरमा में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी और मौका मिलते ही मुसलमानों का कत्ल आम कर दिया जाएगा लेकिन रसूल खुदा की आला तदबीर के नतीजे में यही कुफार मक्का के साथ कुछ करने पर मजबूर हुए जिसके मुताबिक ये तय हुआ कि आप आइंदा साल मक्का में उमरा बजा ला सकते हैं ये माह आपके दायरा तबलीग की मजीद वसत का सबब बना दुनिया उसे सुलह के नाम से जानती है लेकिन खुदा करीम ने उसे फतेह का दिया जैसा कि इलाही है। फतहना लका बेशक हमने आपको खुली हुई फतेह अता की है, सुरह फतेह आयत एक। अगर सही और मुस्त तारीख की तरफ रुजू किया जाए तो सुलह उदैबिया के हवाले से बड़े हैरत अंगेज हकायक सामने आएंगे सुरख के दूसरे साल हुजूर उमरा के लिए तशरीफ ले गए और दुश्मन इस्लाम की मुखालफतों के बावजूद आपकी शान शौकत में मजीद इजाफा होता रहा उससे अगले बरस यानी हिजरत के आठवें साल जब कुरे मक्का ने मुहिदा तोड़ा तो सरवर कायनात सलाम ने मक्का फतेह कर लिया ऐसी अजीम फतेह मिली जो आपके इकतदार का मुकम्मल इजहार थी पूरे वाक ऐसी मालूम होता है की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ने न दिया और आप अपने अगराज मकासिद की राह में रोज अफजों तरक्की के मराहिल तय करते रहे तीसरा दुश्मन यहूदी थे ये ऐसे नाकबले इतमान लोग थे जिन्होंने वकती तौर पर मुसलमानों के साथ मदीना में ही मिलजुल कर रहने का अहद किया था मगर फिर भी ईजा रसानी खलल अंदाजी और तक से बाज नहीं आते थे बकरा का एक अहम हिस्सा और बाद सूरतें यहूदियों के साथरत की सकाफती जंग के बयान पर मुश्तमिल है जैसा की हमने पहले अर्ज किया है कि मदीना मनवरा के यहूदी खुद एक तहजीबत के हामिल थे आगाह होशियार हो थे कमजोर अकीदे के हामिल अफराद के दिल और दिमाग को मुतासर कर देते थे साजिशें करते लोगों के दरम्यान नाउमीदियाँ फैलाते और उन्हें मायूस करते थे और लोगों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना देते थे ये यहूदी हजरत वसल्लम के ऐसे दुश्मन थे जिनकी दुश्मनी भी नजमो जब्त और मनसूबाबंदी पर उसवार थी पैगम्बर अक्रम सला ने उनके साथ नरमी बरती लेकिन जब पानी सर से ऊंचा हुआ तो उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचा दिया आपने बगैर किसी वजह के उन्हें सजा नहीं दी बल्कि उन तीनों यहूदी कबीलों में से हर एक ने मुहिदे की शदीद खिलाफ वर्जी की तो अपने किए का नतीजा भी उन्हें भुगतना पड़ा सबसे पहले जब बनी कैनका ने हजूर अक्रम से खयानत की तो आपने फरमाया अब तुम्हें मदीना छोड़ना होगा वो मदीने से निकाल दिए गए और उनकी जायदाद वगैरह मुसलमानों के हिस्से में आई दूसरा कबीला बनी नज़ीर था जिसने मुआहिदे को तोड़ा उनकी दास्तान बड़ी अहम है उनको भी वाल के साथ मदीना छोड़ने का हुक्म दिया वो भी चले गए तीसरा कबीला बनी खोरेजा का था जिन्हें हजूर ने अमान देते हुए मदीना में रहने की इजाजत दी उन्हें मदीना से नहीं निकाला बल्कि उनसे ये मुहिदा किया की कि वो जंग ख में अपने महलों से दुश्मन को मदीना में दाखिल होने नहीं देंगे लेकिन उन्होंने एहसान फरामोशी का सबूत देते हुए सरवर कायनात पर हमले के लिए दुश्मन ऐसी मुहिदा कर लिया और आपसे किए गए मुआदे आरोप बाकी न रहे मदीना के एक हिस्से में रसूल अक्रम ने मदीना की हिफाजत के लिए खंदक खुदवा दी थी और दूसरी जानब यहूदियों का मोहल्ला था जहां से दुश्मन को रोकना उनके जिम्मे लगाया था लेकिन उन खयानतकारों ने मुआदे पर अमल के बजाय पीठ पर खंजर मारना चाहा और दुश्मन के साथ मिलकर साजिश कर ली कि एक साथ मदीना में दाखिल होकर मुसलमानों पर हमला करेंगे मगर उनकी ये साजिश मखफी न रह पाई उस साजिश के आहशकार होने तक मदीना के मुहासरे को तकरीबन एक महीना गुजर चुका था रसूल अक्रम सलाम ने उनकी इस नापाक साजिश का मुकाबला अपनी हकीमाना तदबीर से किया जिसकी बुनियाद पर खुद कुरैश और यहूदियों का एक दूसरे से एतमाद उठ गया और सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं पूरा माजरा तारीख के सफात में महफूज है यहाँ नबी करीम सलम की जबरदस्त जंगी तदबीर और सियासी फिरासत का मुशाह किया जा सकता है आपने उन्हें यहीं रोके रखा जब क्रैश और उनके हलीफों को शिकस्त फाश हुई और वो खंदक के आस पास से मक्का की तरफ वापस पलट गए तो रसूल खुदा ने मदीना मुनवरा के अंदर मस्जिद में नमाज तौहर अदा करने के बाद फरमाया के नमाज असर बनी क्जा के कलों के सामने पढ़ी जाएगी। एक शब का वी क्रैजा को मुहा पच्चीस मुहासरा और मुकाबला जारी रहा हजूर अक्रम सम ऐसी उनके सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया क्यूँकि उनकी खयानते आशकार थी और काबिल असलाह न थी सरवर कायनात ने उनके साथ ये रवैया इख्तियार किया और इस्लाम मुसलमिन के सर से बनी फरजा बनी नज़ीर और खैबर के यहूदियों की दुश्मनी का जरिए दूर कर दिया इन तमाम वाकुल इस्लाम ने किसी एक मकाम पर भी मुहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की दुश्मन भी इस बात के मोतरफ है की महिदा रसूल करीम ने नहीं बल्कि खुद यहूदियों ने तोड़ा था चौथा दुश्मन मुनाफिकीन थे ये लोग अवाम के दरमियान रहते थे जबान से तो ईमान का इकरार किया करते थे मगर उनके दिल ईमान से खाली थे ये इंतहाई पस्त परवर तंग नजर और दुश्मन का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले अफराद थे यहूदियों और मुनाफिकों में एक बड़ा फर्क ये था कि मुनाफिक की इस्लाम दुश्मनी मनसूबा बंदी के साथ नहीं थी सरवरी कायनात हमले की ताक में रहने वाले मनसूबा साज दुश्मन को अमान नहीं देते थे और उसके साथ वो रवैया इख्तियार करते थे जो आपने यहूदियों के साथ इख्तियार किया लेकिन जो दुश्मन मनसूबा बंदी नहीं करते थे और जिनकी बेईमानी खबासत और हर धर्मी इनफरादी थी नबी रहमत उन्हें बर्दाश्त कर लिया करते थे अब्दुल्ला बिन उबे रसूल अक्रम के बदतरीन दुश्मनों में से एक था वो तकरीबन हजूर अक्रम की जिंदगी के आखिरी साल तक जिंदा रहा लेकिन आपने उसके साथ सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया सब मुसलमान जानते थे कि वो मुनाफिक है इसके बावजूद आपने उसके साथ दीगर मुसलमानों जैसा ही सलूक रवा रखा हमेशा बैतल से उसके हुकूक अदा किए और उसकी जान माल को महफूज रखा जबकि उस जैसे मुनाफिकीन अपनी खबासतों से बाज नहीं आते थे और सूरह बकरा का एक हिस्सा इन्हीं की मजम्मत में नाजिल हुआ है जब भी मुनाफिक के किसी ग्रोह ने मनसूबाबंदी के साथ तहरीक शुरू की तो नबी अक्रम सल्लाम ने भी उसका मुकाबला किया एक मरतबा उन लोगों ने मुनाफिकाना साजिशों के लिए जरार नामी मस्जिद को मरकज बनाया इस्लामी हुकूमत से बाहर रूम के कलम रो में मौजूद अबू आमिर राहिब जैसे शख्स से ऐसी बरकरार किया ताकि रूमियों के जरिए सरवर कायना पर लश्कर कशी की जाए इस मनसूबाबंदी के साथ की जाने वाली दुश्मनी का मुकाबला करने के लिए हजूर अक्रम ने मस्जिद जरार मुनहदम करा दी और फरमाया की ये इमारत मस्जिद नहीं बल्कि ये अल्लाह और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का गढ़ है इसी तरह मुनाफिकीन के एक ने अपने कुफर का इजहार करते हुए मदीना मुनवरा से बाहर एक लश्कर तैयार कर लिया रसूल करीम ने उनका मुकाबला किया और फरमाया कि अगर वो नजदीक आए तो उनके साथ जंग की जाए खुद मदीना मुनवरा में भी मुनाफिक मौजूद थे लेकिन अल्लाह के रसूल ने मनसूबा साज दुश्मनों की तरह उनके साथ सलूक नहीं किया यही वजह है कि आपने मनसूबा साज मुनाफिक के मुकाबले सख्त रवैया इख्तियार किया लेकिन दीगर मुनाफिक के साथ नर्म सुलूक रवा रखा क्योंकि उनका खतरा इनफरादी था अक्सर वेशर सरवर कायनात अपने नेक सलूक के जरिए उन्हें शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देते थे पांचवा दुश्मन वो था जो हर मुसलमान और मोमिन के बाद में मौजूद है और यही दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक था ये दुश्मन हमारे अंदर भी मौजूद है नफसानी ख्वाहिशा खुद गर्जी जलालत कि जिनका सबब खुद इंसान है हुजूर अकरम ने इस दुश्मन का भी जबरदस्त मुकाबला किया इस दुश्मन से मुकाबले की इम्तियाजी खसूसियत यह थी कि इस मुकाबले में शमशीर और तीर व तबर से काम नहीं लिया जाता बल्कि तालीम व तरबियत तजकिया नफ्स और खौफ इलाही के असलहों को इस्तेमाल किया जाता है एक मरतबा मुसलमान लश्कर सख्त जंग करके वापस लौटे तो सरवरी कायनात ने फरमाया मरहबा हो तुम पर कि तुम लोगों ने जहाद असगर तो सर कर लिया और अब जहाद अकबर रह गया है सबको बड़ी हैरत हुई कि इससे बड़ा कौन सा जहाद हो सकता है लिहाजा पूछा या रसूल अल्लाह जहाद अकबर क्या है हमने इतनी बड़ी सख्त जंग लड़ी बड़ी जहमतें उठाई सहूबतें झेली मुसीबतें बर्दाश्त की अब इससे बढ़कर जहाद क्या हो सकता है आपने फरमाया वो है नफ्स के साथ जहाद और इर्शादे इलाही होता है सूरह तौबा आयत 125 इस आयत में जिनके दिलों में मर्ज बताया गया है वो सब के सब मुनाफिक नहीं है बल्कि यूं कहा जाए तो बेहतर है कि मुनाफिक भी इस आयत के मिसदाक हैं यानी मुमकिन है कि एक शख्स मुनाफिक नहीं बल्कि मोमिन है मगर उसके दिल में मर्ज पाया जाता हो ये कौन सा मर्ज है ये कैसी बीमारी है इसका जवाब यह है की वो अखलाकिया हैं। कि अगर उनसे परहेज न किया गया और उनका मुकाबला न किया गया तो इंसान ईमान से हाथ धो बैठेगा ईमान से हाथ धो बैठने का मतलब यह है कि उसका जाहिर तो मोमिनो जैसा होगा लेकिन दिल ईमान से खाली होगा और इसी को इस्लाम की इस तलाह में मुनाफिक कहा जाता है अगर खुदा न खासा हमारा और आपका दिल ईमान से खाली हो जाए जबकि शमाइल मोमिनों जैसे हों अगर हम किरदार में ईमानी और एतकदी हदूद से तजावज कर जाए जबकि हमारी जबान हसब सबिक मोमिनों जैसी बातें कर रही हों तो यही निफाक है ये एक इस्लामी माशरे के लिए बहुत बड़ा खतरा है कुरान करीम में اس سلسلے میں ارشاد الہی ہوتا ہے ثم كان عاقبة الذين أساءوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون سورة روم آية 10 اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا वो बुरा क्या है वो खुदा की निशानियों को झुटलाना है एक और मकाम पर इन लोगों के मुतालिक जिन्होंने इस अजीम फरीजे अल्लाह की राह में खर्च पर अमल नहीं किया इर्शाद होता है

आप तारीख उठाकर देखें इस्लामी माशरे में जो इनहराफ पैदा हुआ उसकी वजह निफाक है मुमकिन है कि एक मरतबा बाहर से कोई दुश्मन उस पर हमला आवर हो जाए और वो शिकस्त दे मार धाड़ करे लेकिन वो उसको नाबूद नहीं कर सकता क्योंकि ईमान अपनी जगह बाकी रहता है और किसी न किसी मौके पर सर उठाता है और दोबारा ईमान का शजरा सरसब्जो शादाब होता है लेकिन अगर कभी ये अंदरूनी दुश्मन हमला आवर हो जाए तो वो इंसान के दिल को ईमान के नूर से खाली कर देता है और उसे गलत रास्ते पर डाल देता है बस जहां कहीं भी इनहराफ दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके पीछे निफाक कार फरमा है पैगम्बर अक्रम ने अपनी हयात मुबारक में उस दुश्मन का भी मुकाबला किया है पैगम्बर अक्रम सला हमेशा तदब्बर और गौर व फिक्र के बाद कोई काम करते थे और हर काम को बर वक्त अंजाम देते और किसी भी काम का वक्त गुजरने नहीं देते थे इनफराध लिहाज ऐसी आप कनात पसंद और पाक साफ तबीयत के मालिक थे आपकी शख्सियत में किसी भी किस्म की कमजोरी का कोई पहलू नहीं पाया जाता था आप पा साफ और इसमत के मालिक थे ये खुद ही माशरे पर असर अंदाज होने का एक बेहतरीन सबब है अमल जबान ऐसी कहीं ज्यादा मसर होता है आप हमेशा साफ साफ बात किया करते थे और कभी दोगली बातें नहीं करते थे लेकिन जब कभी दुश्मन से वास्ता पड़ता था तो ऐसी सियासत से काम लेते कि दुश्मन आपकी तदबीर से धोखा खा जाता था चाहे सियासी एतबार हो या दिफाही लिहाज से आपने मुताद बाद दुश्मन को धोखा खाने पर मजबूर कर दिया लेकिन मुसलमानों और आम लोगों के साथ सीधी सीधी बात करते थे कभी मुबहम बात नहीं करते थे और बवकते जरूरत इंतहाई नरमी का भी भरपूर मुजाहरा करते थे जैसा कि अब्दुल्ला बिन उबे के वाक में इसका जिक्र मिलता है जो कि एक तफसीली वाक है आप जब किसी दुश्मन के साथ कोई वादा करते तो फिर हर गिज वादा खिलाफी नहीं करते थे यहाँ तक कि अपने दुश्मनों और कुफार मक्का के साथ भी जो वादे किए उन्हें नहीं तोड़ा यही वजह है कि सब लोग जानते थे कि अगर इस शख्स के साथ कोई मुआदा किया जाए तो उस पर अमल जरूर होगा दूसरी तरफ आपने अपने परवरदिगार के साथ राजो का सिलसिला कभी खत्म नहीं होने दिया बल्कि आप हर दिन अपने अपने रब के साथ अपने को मजबूत और मुस्तकम करते रहे यहाँ तक के मैदान जंग के एन वस्त में जब आप अपने सिपाहियों को जंगी हिदायत देते और उन्हें जंग के लिए तैयार करते थे और खुद भी अपने हाथ में तलवार लिए हुए सिपाहियों को हिदायत दे रहे होते थे तो अचानक जानू के बल जमीन पर बैठ जाते और अपने दोनों हाथों को उठाकर कर चेहरा अकबर का रुख आसमान की तरफ करके आँखों से आंसू बहाते हुए अपने परवरदिगार के हुजूर गिड़ गा कर यूं दुआ मांगते थे ए मेरे परवरदिगार हमारी मदद फर्मा ए मेरे अल्लाह अपने दुश्मनों के मुकाबले में हमें कामयाबी अता फरमा यानी ना तो आपका अपने परवरदिगार के हुजूर गिड़गड़ाना इस बात का सबब बनता कि आप अफरादी ताकत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देते और नय अफरादी قوت परवरदिगार के हुजूर गिरियाव में रुकावट बनती थी बल्कि वक्त आपकी तवज्जो दोनों उमूर पर मरकज होती थी आप कभी दुश्मन से खौफजदा नहीं होते थे अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहि जो खुद भी बेमिसाल शجاعت और बहादुरी के अजीम मजर थे फरमाते हैं कि दौरान जंग जब कभी कोई मुश्किल पेश आती या हम दबाव का शिकार होते तो आपके दामन में पनाह लेते थे यानी जब कोई किसी मुश्किल में फंस जाता तो आप ही के दामन आफियत में पनाह लेता था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दस साल हुकूमत की इन दस बरसों में आपने जो काम अंजाम दिया अगर इंतहाई तेज तरीन काम करने वाले एक ग्रोह के हवाले किया जाए तो वो सैकड़ों सालों में भी इतना काम नहीं कर सकता जितना काम आपने इन दस बरसों के दौरान तन्हा अंजाम दिया आज के दौर में अगर हम अपने उमूर का रसूल अक्रम के कामों के साथ मुजना करें तो बखूबी समझ सकते हैं कि आपने क्या कारनामा अंजाम दिया एक ऐसी हुकूमत की सरबराही एक ऐसे माशरे की तश्ल यानी एक ऐसे रोल मॉडल को वजूद में लाना जो बजात खुद आपके मोजात में से है दस बरस तक लोगों ने शब और रोज आपके साथ जिंदगी गुजारी है लोग आपके घर पर जाते थे और आप भी लोगों के घर तशरीफ ले जाते थे मस्जिद में साथ साथ होते थे रास्ते में एक साथ चलते थे एक साथ सफर पर जाया करते थे एक साथ उठते बैठते थे एक साथ भूख और प्यास की तकलीफ़ें झेलते थे एक साथ गमी खुशी मनाते थे आप लोगों के साथ मजाक भी किया करते थे लोगों के दरमियान खेलों के मुकाबले रखवाते थे और खुद भी उन मुकाबलों में शरीक होते थे जिन लोगों ने दस बरस तक आपके साथ जिंदगी गुजारी थी उनके दिलों में हर गुजरते दिन के साथ आपकी मोहब्बत में इजाफा और आप पर एतकाद बढ़ता जाता था फतेह मक्का के दौरान जब अबू अब हजरत अब्बास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चचा की मदद से खुफिया तौर पर आपकी खिदमत में पहुंचा ताकि अमान हासिल कर सके तो उस वक्त आप वज़ू कर रहे थे जबकि सहाबा कराम आपके इर्द गिर्द जमा थे ताकि आपके वजू के पानी को गिरने से पहले हाथों में लेने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले सकें ये देखकर अबू सुफियान ने कहा मैंने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को देखा है लेकिन किसी की भी इतनी इज्जत मैंने नहीं देखी जी हाँ मानवी इज्जत ही हकीकी इज्जत हुआ करती है सारी इज्जत तो अल्लाह रसूल और साहिबान ईमान के लिए है सुर मुनाफिकून आयत आठ मोमिन भी अगर इसी राह पर चलें तो इज्जत पा सकते हैं इस्लामी निजाम का गदीर का वाकया इंतहाई अहम और तारीख इस्लाम का एक सुनहरा बाब है इस वाकये का दो पहलुओं से जायजा लिया जा सकता है उनमें से एक पहलू का ताल्लुक अहले तशयों से है जबकि दूसरे पहलू का ताल्लुक तमाम इस्लामी फिरकों से है लिहाजा इस दूसरे पहलू की रोशनी में तमाम मुसलमानों के दिलों में इस एहसास का जागना जरूरी है कि ईद गदीर जो इस अजीम की याद दिलाता है का ताल्लुक सिर्फ अहले तशयो से नहीं है जैसा कि हमने अर्ज किया कि इस वाक़ का एक पहलू अहले तशयो से मखसूस है क्योंकि इन अहले तशैयो के अकीदे के मुताबिक इस वाक में अमीर उलमिन इमाम अलीम वसल्लम अक्रम सद से मनसब इमामत खिलाफत पर फायज हुए और उसी रोज इसी वाक के दौरान जब लोगों ने आपसे पूछा कि ए अल्लाह के रसूल ये आपका ऐलान है या अल्लाह तबारक व जानिब से है तो आपने फरमाया मिनल्लाहे व रसूल ही तब रसी जल्द एक सफा बयासी यानी ये हुक्म अल्लाह रसूल दोनों की तरफ से है लिहाजा इस लिहाज से पहले तशय इस को बड़ी अहमियत देते हैं क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक हजरत अली के खिलाफत बिना फसल पर यह सबसे बड़ी दलील है इस वाक़ के इस्तदलाल और इस्तनबाद पर तारीख इस्लाम में अब तक बेशुमार किताबें लिखी गई हैं, लिहाजा जिस मौजू पर हजारों किताबे लिखी गई हों और हजारों मताले बयान किए गए हों उनमे मजीद किसी चीज का इजाफा करना नहीं चाहता लेकिन इस वाक्य का दूसरा पहलू जिसकी अहमियत किसी लिहाज से उसके पहले रुख से कम नहीं जिसका ताल्लुक शिया और सुन्नी दोनों फिरकों से है मैं उसे कदरे तफसील के साथ बयान करना चाहता हूँ वाक यूं है कि दस हिजरी को रसूल अक्रम हज बैतुल्ला से मुशर्रफ हुए आपके हमरा मदीना मुनवरा और जजीरतुल अरब के दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों की एक कसीर तादाद मौजूद थी इस सफरे हज बैतुल्लाह के दौरान हुजूर अकरम मुसलमानों को इस्लामी तालीमा से लेकर सियासी अमूर जंगी मामला अखलाकी एतकदी और दीगर मसाइल से रोशनास कराते रहे इस मौके पर आपसे मिना में दो खुतबे नकल हुए हैं उनमें से एक खुतबा आपने दस जिलहजा ईद उल या उन्हीं दिनों में दिया जबकि दूसरा खुतबायाम तशरीक के आखिर में दिया है वाजह करना मशरक की तरफ तोज्जो करना अयाम तशरीक माहिजिलहा की ग्यारह ता तेरह तारीख को कहते हैं जिन्हें कुरान मजीद ने अयाम मदुदात के नाम से याद किया है बकरा आयत दो सौ तीन में इससे मालूम होता है कि ये दोनों खुतबे अलग अलग हैं एक नहीं हैं इन दोनों खुतबात में आपने तकरीबन उन तमाम अहम मतालब को बयान फरमाया है जिन पर मुसलमानों को तोज्जो देना बहुत ज़रूरी है उनमें से ज्यादातर मसाइल का ताल्लुक सियासी उमूर से है यहां से इंसान बखूबी समझ सकता है कि आलम इस्लाम में आज भी जो लोग हज को सियासी मामला सिर्फ नमाजों और दुआओं पर मुश्तमिल एक आम इबादत समझते हैं वो किस कदर इस्लामी तालीमत और हजूर अक्रम की सीरत तय्यबा से ला इम है हजूर अक्रम ने अपने उन खिताबात में जिन उमूर की निशानदेही की है वो फरीकैन की किताबों में मौजूद हैं उनका खुलासा ये है कि सबसे पहले आपने जहाद के बारे में गुफ्तु फरमाई और कुफार मुश्रकिन के साथ जहाद की अहमियत से आगाह करते हुए ये ऐलान किया कि जहाद का ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पूरी दुनिया में कलिमा ला इलाहा की आवाज़ नहीं गूंजती इसके बाद हुजूर अकरम ने मुसलमानों के दरमियान इतिहाद और इत्तफ़ाक की जरूरत पर जोर देते हुए उन्हें आपस में लड़ने झगड़ने ऐसी मना फरमाया आपने जमान जाहलीत के इम्तियाजा के बारे में गुफ्तू करते हुए वाजह कर दिया कि इस्लाम की नज़र में इन इम्तियाजा की कोई हैसियत नहीं है आपने फरमाया आगा हो जाओ जमाने जाहिलियत की तमाम कदरें आज मेरे पाओ के नीचे हैं। यानी आपने जमाने जाहिलियत के तमाम इम्तियाजा और कदरों की कुल्ली तौर पर नफी फरमाई आपस के लेन देन के हवाले से जमाने जाहलीत के जो कवानीन मुसलमानों के दरमियान अब तक राइज थे मसला अगर कोई शख्स किसी को कर्ज देता था तो बाद में उसे सूद समेत वसूल करता था आपने इस कानून को खत्म करते हुए ऐलान किया कि सबसे पहले मैं अपने सूद को खत्म कर रहा हूं सबसे पहले मैं अपने सूद को जिसे मेरे चचा अब्बास ने मुझे देना है उन्होंने जमाने जाहिलियत में आपसे कर्ज लिया था और मुतादिद लोगों के सामने इसका इकरार भी किया था मैं उसे فسخ कर देता हूं सरतुल जिल्द 2 सफा 412 आपने इस्लाम की नजर में तकवा की अहमियत को वाजह करते हुए इर्शाद फरमाया कि सिवाय तकवा और परहेजगारी के किसी शख्स को दूसरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है आयतुल मुसलिमी यानी मुसलमानों के पेशवाओं और रहनुमाओं का दीनी और सियासी मसाइल में दिलचस्पी लेना और उनकी असलाह की जरूरत पर जोर देते हुए उसे एक वाजिब अमल करार देना और ये ऐलान की ये तमाम मुसलमानों की शर जिम्मेदारी है कि वो इस्लामी ममलिकत के हुक्मरानों को अपने नेक मशवरों से आगाह करते रहें आपने उन खुद में खुदबा इस्लाम को दरपेश अहम सियासी और इज्तमाही मसाइल बयान किए और उन्हीं में एक हदीसीन भी है जिसमें आपने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो गरां कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ वो गरँ कदर चीजें अल्लाह की किताब कर्न मजीद और मेरी इतरत अहल बैत है ये कहते हुए आपने अपने दोनों हाथों की शहादत की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए फरमाया वो दोनों यानी कर्न इतरत इनकी तरह हैं यानी जिस तरह दोनों हाथों की शहादत की उंगलियों में कोई फर्क नहीं इसी तरह और इतरत में भी कोई फर्क नहीं है इसके बाद आपने हाथ उठाकर शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को आपस में मिलाते हुए फरमाया ये दोनों उन उंगलियों की तरह नहीं कि जिनमें से एक बड़ी और दूसरी छोटी है बस तुम उनसे मुतमस्क रहो अलकाफी जिल्द दो सफा चार अहमियत बयान की और फरीजा हज की अंजामदही के फौरन बाद मदीना मुनवरा की तरफ रवाना हुए दौरान सफर गदीर नामी एक चौराहे पर रुक गए जहाँ से मदीना मुनवरा और यमन का रास्ता जुदा होता है रावियों ने लिखा है कि उस वक्त मौसम इतना गर्म था कि अगर गोश्त का कोई टुकड़ा जमीन पर रख दिया जाता तो कबाब बन जाता एक ऐसी कैफियत में हुजूर अकरम एक ऊंची जगह पर तशरीफ फरमा हो जाते हैं ताकि तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा हो सकें। और जब आपने देखा कि तमाम लोग जमा हो गए हैं तो जिस जिस का मैं मौला हूँ उसका अली मौला है अलकाफी जिल्द एक सफा 420 का ऐलान किया और अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलीसम का हाथ पकड़कर इतना बुलंद किया कि सारे लोग देख सकें मतद रवायात में है कि अकरम ने हजरत अली के हाथ को इतना बुलंद किया कि दोनों की बगल की सफेदी नजर आने लगी इस वाक़े का दूसरा पहलू जो मेरे पेश नज़र है उसका ताल्लुक बैनुल अक्वामी इस्लामी और बैनुल अफ्रक इस्लामी है जो सिर्फ पहले तशयो से मखसूस नहीं वो ये है कि फर्ज जो कि यकीनन हुआ था और ये जुमला आपकी मुबारक से जारी हुआ था सिर्फ हजरत अली के खिलाफत बसल का ऐलान किया है तब भी कम अज कम इतना तो साबित है कि आपने तमाम मुसलमानों को अमीर मिन इमाम अली और अपनी इतरत ताहिरा के साथ दोस्ती और मोहब्बत का हुक्म दिया है इसलिए आपने इतरत ताहिरा को मजीद के साथ करार दिया है आप अपने मिना के खुतबे में और हदीस हदीसैन में भी हदीस हदीसैन को हजूर अक्रम ने बार बयान फरमाया है। इसी तरह हदीस गदीर और वाक्य गदीर में अमीर मोमिनीन इमाम अली की शख्सियत का काफ कराते हैं इस ताकीद की बुनियादी वजह ही ये है कि मुसलमान अहल बैत के साथ अपना ताल्लुक बरकरार रखें क्योंकि हर जमाने में इंसानों को एक कामिल नमूने की जरूरत है इसलिए आप चाहते थे कि दुनिया से रुख्सत होते हुए आइंदा आने वाली नस्ल और तमाम मुसलमानों के सामने एक इंसान कामिल को मुजस्म सूरत में लोगों के सुपुर्द कर जाएं ताकि लोगों से ये कह सकें कि इस्लामी तरबियत के लिए इनकी तरफ रुजू करना चाहिए यानी एक मुसलमान को चाहिए कि ऐसी शख्सियत को अपने लिए नमूना अमल करार दे जिसकी तहारत और पाकिजगी जिसका इल्म जहदो तकवा जिसके नेक आमाल जिसकी इबादत मुसलमानों को दरपेश मसाइल से जिसकी आगाही जिसकी कुरबानिया जिसकी शुजात और बहादुरी के बेमिसाल कारनामे और इसी तरह इस्लाम की खातिर अपनी जान पर खेलने का अमली इजहार सबके सामने वाजे हो यानी आप अमीरुल मोमिनीन का एक रोल मॉडल और नमूने के तौर पर मुसलमानों के सामने तारफ़ कराते हैं वो मुसलमान चाहे उस दौर के हों या आइंदा आने वाले हों, उन्हें चाहिए कि वो अमीरुल मोमिनीन इमाम अली के साथ अपना तालुक जोड़े रखें अब हुआ ये कि पैगम्बर अक्रम के बाद अमली तौर पर अमीरुल मोमिनीन इमाम अली खलीफा फसल नहीं बन सके बल्कि रसुल्लाह की वफात के पच्चीस साल बाद आप खलीफा बने फिर भी आपका खलीफा बन तो गए यानी आपका मकाम इमामत साबित हो कर रहा आखिरकार तमाम मुसलमानों ने आपको अपना हाकिम और पेशवा तस्लिम कर ही लिया आपकी यही यही ताल्लुक कि जिसे तमाम मुसलमान अपना हाकिम और सरबराह और खलीफा रसूल मानते हैं हाँ बाज लोग आपको खलीफा बिलाफसल मानते हैं जबकि बाद पच्चीस साल बाद खलीफा तस्लीम करते हैं और ये एक ऐसी शख्सियत कि जिसे तमाम मुसलमान जानशी ने पैगम्बर अक्रम वसल्लम मानते हों उसको तमाम मुसलमानों के लिए एक कामिल नमूना और रोल मॉडल की हैसियत से हमेशा जिंदा और बाकी रहना चाहिए इसी तरह इसके और दूसरे मुसलमानों के दरमियान रबते और ताल्लुक भी हमेशा कायम दायम रहने और फिक्री रूहानी और नज़रियातीलुक का तसलसल भी कायम रहना चाहिए बस अगर इस पहलू से देखा जाए तो अमीर मोमिनीन इमाम अली का ताल्लुक सिर्फ अहले से नहीं, बल्कि आपका ताल्लुक तमाम मुसलमानों से है इसी तरह सिर्फ अमीर इमाम अली सलाम ही नहीं बल्कि पैगम्बर सल्ला वसल्लम के सारे अहले बैत और आयमा मासुमी जो अमीर उलमिन इमाम सलाम की औलाद हैं सब इतरत रसूल क्रम होने के नाते तमाम मुसलमानों के लिए इंसान कामिल की हैसियत से नमूना अमल हैं। दूसरा नुकता ये है कि पैगम्बर इस्लाम ने कुरान मजीद और अहल बैत अले मसलम के बहमी ताल्लुक को बयान फरमा कर दर हकीकत तहरीफ कुरान के मसले से भी लोगों को आगाह कर दिया है क्योंकि जिस माशरे में हुकूमती अहलकार अपनी ताकत और दौलत के बलबूते पर अपने मफाद हासिल करने के लिए इस्लामी तालीमात और कुरानी मफाहिम में रद्दबदल करते हों मुसलमानों को गुमराह और मुसलमानों को सही इस्लामी अहकाम और तालीमात सीखने और समझने की राह में रुकावट बन जाते हों वहाँ मुसलमानों को हकीकत से बाखबर रखने के लिए एक मर्जा और मरकज का होना जरूरी है कि वो लोगों को बताए कि क्या सच है और क्या झूठ ताकि लोगों को गुमराही से बचाया जा सके और यही मर्जा और मरकज अहिल बैत अल हैं और ये वो बात है कि जिसे दुनिया को आज समझने की जरूरत है आज तमाम मुसलमान इस बात के मोहताज हैं कि वो इस्लामी को सलाम से हासिल करें इस लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीरुल मोमिनीन उलमिन के खलीफा बिला फसल या दीगर इमामों की इमामत के कायल हों या न हो अलबत् तय इस हदीसैन से इस्ता करते हुए अमीर मोमिनीन इमाम अली के खलीफा बिला फसल होने पर मुकम्मल यकीन रखते हैं लेकिन जो मुसलमान इमाम अली को खलीफा बिला फसल नहीं मानते यानि बरदरान सुन्नत, उन्हें भी इमाम अली और दीगर आयमा अहल बैत असलम से अपने फिक्री अकीदती और शूरी रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहिए बस इस पहलू की रोशनी में गदीर का वाकया जो अमीर इमाम अली सलाम और दीगर आयरीन का तमाम मुसलमान फिरकों के साथ ताल्लुक पैदा करने का बायस है तमाम मुसलमानों से मुताल है वाक एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि ये इस्लाम की जामियत की एक अलामत है अगर पैगम्बर इस्लाम सल वसलम ने दस साल के अरसे में अपनी और अपने बा वफा अहाब की अनथकशों से एक बिल्कुल इब्तदाई और तस्बात और खुराफात से आलूदा को एक तरक्की याफ्ता और महजब समाज में तब्दील कर देने के बाद उम्मत के सामने अपनी रहलत के बाद के लिए कोई मनसूबा और नसबुल्न पेश न किया होता तो पैगम्बर इस्लाम का काम नाकिस रह जाता चूंकि जमाना जाहलीत के तस्बात की जड़ें इतनी गहरी थी कि उनकी बीखनी के लिए तवील मुद्दत दरकार थी जाहरी एतबार से सब ठीक ठाक था लोगों के ईमान भी मजबूत थे अलबत् सबका ईमान एक जैसा नहीं था उनमें से कुछ लोग पैगम्बर इस्लाम की रहलत से एक दो साल कबल इस्लाम लाए थे और बाज लोगों के इस्लाम को अभी चंद माह ही गुजरे थे उनमें से बहुत से लोग इस्लाम की जंगी ताकत से मरूब होकर मुसलमान हुए थे अलबत् बहुत से लोग इस्लाम की जाजिबियत और मानवीय से मुतासर होकर मुसलमान हुए थे मगर सब सदर अव्वल के सच्चे और बावफा मुसलमानों जैसे नहीं थे लिहाजा जाहिलियत के तसुबाद की रोकथाम और पैगम्बर इस्लाम सलम के बाद इस्लाम के सही रास्ते की हिदायत के लिए कोई इंतजाम जरूरी था अगर ये इंतजाम न होता तो आपका काम अधूरा रह जाता जैसा कि सूरह मायदा की आयत इस हकीकत का वाज ऐलान कर रही है आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया है और अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंदीदा बना दिया है सूर मायदा आयत तीन ये इस बात की वजाहत है कि इस्लाम की नेमत हिदायत की नेमत बनी नौ इंसान को सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत की नेमत तब ही पाया तकमील को पहुंच सकती है जब पैगंबर इस्लाम के बाद का ला अमल मुन हो ये एक तिबी और फितरी बात है पैगंबर इस्लाम ने गदीर के मौके पर इस अमल को अंजाम दिया और हजरत अली को अपनी जानशीनी के लिए नामजद कर दिया जो ईमान और गुफ्तार किरदार में एक मुमताज़ मुनफरद और मिसाली शख्सियत के हामिल थे और सब मुसलमानों पर उनकी इतात और पैरवी को लाजिम करार दिया अलबत् पैगम्बर इस्लाम का जरिए अल्लाह अली को फायज किया और पैगम्बर इस्लाम को उसके ऐलान का वाजह और दो टोक पैगाम दिया पैगम्बर अक्रम ने इस पर मिन अमल किया गदीर एक हकीकत का नाम है गदिर दीन इस्लाम की हम और जामियत की अक्कासी करता है गदिर इस्लाम के मुस्तकबिल का जामिन है और उन शराइ को वाजह करता है जो उम्मत इस्लामिया की जामत और क़्यादत के लिए लाजिम है वो कौन सी शरात हैं वो वही शरात हैं जो मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात में जलवागर थीं यानी परहेजगारी दीनदारी दीन की गैर मशरूत पाबंदी खुदा और हक के रास्ते के सिवा किसी को खातिर में न लाना खुदा की राह में बेखौफ वतर चलना तदबिर से मुजयन होना अज़्मे की ताकत से आरास्ता होना ख़दीर एक हकीकत है लेकिन इसका एक इशारती और अलामती पहलू भी है अमीर उलमिन इमाम अली खसूसियात के पेश नज़र नामजद किया गया ये खसूसियात इस्लाम की जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में इस्लामी कयादत और जमत के लिए मश हैं उम्मत इस्लामिया के रहबरों और हुकूमत के जिम्मेदारों को इन्हीं खसूसियात का हामिल होना ज़रूरी है जो अमीरुल मोमिनीन इमाम असल के इंतबा में कार फरमा थी गदीर इन्हीं इम्तियाजात और खसूसियात से मामूर हकीकत का नाम है